हेलो एवरीवन वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस आप सभी कंफर्म करेंगे हमारी ऑडियो एंड वीडियो आप सभी को क्लियर है uh, आप सभी को ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो जस्ट कंफर्म करेंगे ठीक है फिर आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट का नाम है हमारा नेटवर्क एनालिसिस आप, आप आप सभी जल्दी से कंफर्म करेंगे या गुड इवनिंग एवरीवन कंफर्म करेंगे हमारा ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है कंफर्म करेंगे ऑडियो एंड वीडियो आप सभी को क्लियर है है ना क्लियर सर लिख के आप मेंशन uh, करेंगे एंड uh, सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को ठीक है एंड सभी लाइक भी कर दीजिए फिर हम आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं आई होप कि आपने सभी मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे ठीक है प्रीवियस लेक्चर थोड़े से कहीं पे आई होप कि बोरिंग किसी किसी बच्चे को लग सकते होंगे uh, वो एक्चुअली फंडामेंटल पार्ट था और वो बहुत नेसेसरी था ठीक है आगे के जितने लेक्चर अब होने वाले हैं वो सभी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि वहां मोस्टली हम मोस्ट सर्किट एंड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे एंड अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ठीक है सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है

आप जो भी लैपटॉप में देखते हैं वीडियो आप 720p पे रन कीजिए लैपटॉप वाले मिस वाले कंप्यूटर और मोबाइल पे आप 720 पे देखिए अगर आपके सपोज स्पीड कम है सो आप मोबाइल पे 480 टी पे जा सकते हैं ठीक है थेके? ये अगर आप पीसी पे हैं और ये आप अगर मोबाइल पे हैं ठीक है इससे अगर कम में देखेंगे तो आपको वीडियो थोड़ा ब्लर दिखेगा ठीक है तो आप अपनी क्वालिटी को ऑटो से हटा के इनमें फिक्स करके देखिए ठीक है ना इससे आपकी वीडियो ब्लर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ठीक है और कोई इशू किसी को सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नाउ अभी तक हमने जो देखा है एक बार मैं उसे रिकॉल करता हूं हमने अभी तक देखा है आर रसिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर इंडिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डिपेंडेंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स क्लियर सो so, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आज के क्लास में डिस्कस करने वाला हूं फ्रॉम दिस टॉपिक क्लियर हमारे पास फाइव एलिमेंट है पूरे नेटवर्क में आपको जनरली यही दिखेगा रजिस्टर एलिमेंट्स हमारे पास इतने ही होंगे तो इनका बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए हमारे पास जो रजिस्टर है हमारे पास इंडक्टर है हमारे पास कैपेसिटर है हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स है ठीक है ये एलिमेंट आपके पैसिव एलिमेंट होते हैं या एक्टिव एलिमेंट होते हैं so, याद रखेंगे आर एल सी इज ऑलवेज पैसिव एलिमेंट पैसिव पैसिव एंड दिस इज पैसिव पैसिव एलिमेंट क्लियर एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स तो सोर्स हमेशा क्या होगा एक्टिव एलिमेंट एक्टिव एंड एक्टिव क्लियर है सो सोर्सेस विल बी ऑलवेज एक्टिव एलिमेंट एंड आर एल सी विल बी ऑलवेज पैसिव एलिमेंट पैसि पहचानते हैं हम इसे ऐसे पहचानते हैं अगर हमारे पास एक एलिमेंट है आर है एल है सी है डिपेंडेंट सोर्स इनडिपेंडेंट सोर्स किसी भी कैटेगरी का एलिमेंट हो सकता है अगर हमें पता है यहाँ करेंट आए है और अगर हमें पता है यहाँ प्लस माइनस ड्रॉप हमें वी ऐसा मिलता है करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करती है सो ये एलिमेंट आपका कौन सा एलिमेंट कहलाएगा पैसिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट क्लियर है अगर अगर किसी एलिमेंट के क्रॉस आपको करंट एंड वोल्टेज का डायरेक्शन इसके अपोजिट मिलता है मीन्स अगर आपका करंट यहां से एंटर कर रहा है और यहाँ ड्रॉप आपको नहीं मिल रहा प्रैक्टिकली यहां अगर वोल्टेज का साइन माइनस प्लस भी है सो so, इस एलिमेंट को हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट एक्टिव एलिमेंट क्लियर है सो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है पैसिव एलिमेंट एनर्जी एनर्जी कंज्यूम करेगा क्या करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और यू कैन से कंज्यूम करेगा बट एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा एनर्जी डिलीवर करेगा क्या करेगा डिलीवर करेगा ठीक है सो मैं यहां अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं अगर कोई पैसिव एलिमेंट है तो करेंट का डायरेक्शन पता है तो वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा ये आप सभी को पता है मैं एक बार फिर से इसे रिकॉल करता हूं अगर हमारे पास एक रजिस्टर है और हमें पता है रजिस्टर पैसिव एलिमेंट होता है अगर आपको यहां करेंट पता है ऐसे आए इस डायरेक्शन में तो आपको वोल्टेज का डायरेक्शन दिया हो या ना दिया हो आप फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज हमेशा यहां प्लस होगा यहां माइनस होगा क्लियर है इतना गेटिंग क्योंकि हमें पता है आर एल सी इज ऑलवेज ए पैसिव एलिमेंट क्लियर सो अगर आर के एक क्रॉस करेंट पता है तो वोल्टेज पता है वोल्टेज पता है तो करेंट पता है डायरेक्शन तो याद रखेंगे रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर के क्रॉस करेंट विल ऑलवेज एंटर फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल सिमिलरली अगर हमारे पास इंडक्टर है ऐसा क्लियर है दिस इंडक्टर एल और अगर यहाँ करेंट का डायरेक्शन पता है सो so डायरेक्शन हमें पता है, आए, C, यहां आपको क्या मिलेगा वोल्टेज प्लस माइनस तो हिस्सा दिस इज वोल्टेज प्लस माइनस हिअर दिस इज वोल्टेज प्लस माइनस क्लियर तो आर एल सी के एक अगर करेंट का डायरेक्शन मिल गया तो वोल्टेज का डायरेक्शन मिल जाएगा या वोल्टेज का डायरेक्शन पता है तो करेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा तो ये तीनों में आप एक नोट लिख सकते हैं इन आर एल सी एलिमेंट इन आर एल सी एलिमेंट एलिमेंट करेंट विल ऑलवेज एंटर करेंट विल ऑलवेज एंटर ऑलवेज एंटर फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल हम इसे अपोजिट भी पढ़ सकते हैं कि अगर हमें ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वोल्टेज पता है तो करेंट का डायरेक्शन क्या होगा क्लियर दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो याद रखेंगे हमारे पास जो ये फाइव एलिमेंट है आर एल सी हमेशा पैसि होगा और आपके वोल्टेज सोर्सेस चाहे डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो सोर्सेस हमेशा एक्टिव होते हैं क्लियर है

क्लियर माय पॉइंट सो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो अगर आप देखते हैं हमारे पास एक नेटवर्क है ऐसा क्लियर तो इस नेटवर्क के अंदर कभी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा सोर्स को हमेशा हम बाहर निकाल के रखते हैं तो इसके सोर्स को हम यहां से बाहर निकालेंगे और बाहर रिप्रेजेंट करेंगे यहां सब्लाय क्लियर है दिस इज योर सोर्स विथ सोर्स इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लियर है विथ सोर्स इंडिपेंडेंट क्लियर है इतना क्लियर है नहीं इतना नाउ no. सो so, कभी भी नेटवर्क के अंदर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं होगा तो कौन-कौन से एलिमेंट बच गए आपके पास यहां क्या हो सकता है इसके अंदर आर हो सकता है एल हो सकता है सी हो सकता है एंड डिपेंडेंट सोर्स हो सकता है और ये चारों एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं क्या होते हैं लीनियर एलिमेंट लीनियर एलिमेंट क्लियर सो वी कैन से दिस नेटवर्क इज नेटवर्क। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर है अगर आइडियली आपसे पूछे कि सर इंडिपेंडेंट सोर्स लीनियर होता है या नॉन लिनियर होता है सोर्सेस लीनियर सोर्सेस सॉरी इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर ऑलवेज नॉन लीनियर ये सोर्स आपका नॉन लीनियर होता है क्या होता है नॉन लीनियर होता है क्लियर है ना बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे जरूरत है ये चार एलिमेंट की जब जब ये चारों एलिमेंट होगा नेटवर्क लीनियर होगा अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि सर नॉन लीनियर नेटवर्क क्या हो सकता है इतना क्लियर है तो याद रखेंगे यहाँ आर एल सी याद रखेंगे पैसिव होता है एंड लीनियर होता है डिपेंडेंट सोर्स याद रखेंगे एक्टिव होता है एंड लीनियर होता है क्लियर ये चार चीज पैसिव एंड लीनियर आर एल सी डिपेंडेंट सोर्स एक्टिव एंड लीनियर ठीक है अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा और ये आप याद रखेंगे आरएलसी पे हमेशा करंट कहां से एंटर करता है पॉजिटिव टर्मिनल से या आप बोल सकते हैं पैसिव एलिमेंट पे हमेशा करंट पॉजिटिव से एंटर करता है एंड एक्टिव एलिमेंट पे करंट हमेशा नेगेटिव से एंटर करता है पैसिव एलिमेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एक्टिव एलिमेंट एनर्जी डिलीवर करता है इसीलिए उसका नाम एक्टिव है और उसका नाम पैसिव है क्लियर अब आपके मन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नॉन लीनियर नेटवर्क क्या होगा तो नॉन लीनियर नेटवर्क बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम नहीं पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में हम नॉन लीनियर नेटवर्क नहीं पढ़ते हैं बट फिर भी अगर आपके मन पे डाउट है कि सर नॉन लीनियर नेटवर्क में क्या हो सकता है so देखेंगे अगर किसी नेटवर्क के अंदर डायोड है या फिर ट्रांसिस्टर है एनीथिंग सो डायोड और ट्रांजिस्टर आरएलसी भी हो सकता है अगर यहाँ आर भी है एल भी है सी भी है डिपेंडेंट सोर्स भी है बट है डायडिया हमने यहाँ सप्लाई को बाहर निकाल दिया और सप्लाई को आप हमेशा बाहर रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है दिस इज योर सप्लाई आप अगर मार्केट से एक फैन खरीद के लाते हैं एक फैन सो व्हाट इज द नेटवर्क फैन तो so, क्या आप सप्लाई की बात करते हैं सप्लाई तो अलग से आएगा ना अगर मैं पूछता हूं वो फैन आपका लीनियर है कि नॉन लिनियर है तो आप सप्लाई को बाहर करके रिमेनिंग एलिमेंट की ही बात करेंगे क्लियर तो अगर किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर इंडिपेंडेंट सोर्स तो लगा है तो नेटवर्क तो एवरी नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा नॉन लीनियर नो हम हमेशा उस सोर्स को बाहर निकालेंगे और बाकी एलिमेंट जितने हैं नेटवर्क में वो सभी एलिमेंट को देख के बताएंगे कि नेटवर्क लीनियर है या नॉन लीनियर है क्लियर माय पॉइंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे बच्चे नहीं समझ पाते हैं क्लियर है नो। सो no. so, आगे चलते हैं ना सो अगर हमने बोला कि अगर किसी नेटवर्क में डायोड या ट्रांजिस्टर आ गया एक भी नॉन लिनियर एलिमेंट आ गए तो वो नेटवर्क क्या हो जाएगा नॉन लिनियर दिस नेटवर्क इज नॉन लीनियर नेटवर्क क्लियर बट हमारे इस पूरे सिलेबस में आर होगा एल होगा सी होगा डिपेंडेंस होगा तो नेटवर्क के अंदर ये चार पैरामीटर आपको मिल सकते हैं क्लियर है इतना क्लियर है सभी को नाउ चलिए आगे चलते हैं क्लियर तो एक्टिव और पैसिव आप सभी को क्लियर होना चाहिए ठीक है जो एलिमेंट इनर्जी डिलीवर्ड करता है वो एक्टिव है और जो एब्जॉर्ब करता है और कंज्यूम करता है वो पैसिव है वो पैसिव है ठीक है वो आपका पैसे विदाउट है तो जस्ट तो आस्क मी सर तो एक्टिव एलिमेंट एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकता नहीं कर सकता एक्टिव एलिमेंट कभी भी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर सकता ठीक है हमेशा वो क्या करेगा एनर्जी डिलीवर्ड करेगा ठीक है मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं देखेंगे अगर हमारे पास यहां एक वोल्टेज है सपोज दिस इज फाइव वोल्ट हमारे पास यहाँ एक रेसिस्टर है और हमारे पास यहां एक और एक वोल्टेज रिप्रेजेंटेशन है क्लियर एंड दिस इज थ्री वोल्ट ओके एंड दिस इज टू ओम एक छोटा सा मैंने नेटवर्क लिया क्लियर यहां कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको हाउ मेनी एलिमेंट दिस इज एलिमेंट वन एलिमेंट नंबर वन क्लियर दिस इज एलिमेंट नंबर टू एलिमेंट नंबर टू एंड दिस इज एलिमेंट नंबर थ्री अभी आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं ठीक है थीके? तीन एलिमेंट हमारे पास है मेरा क्वेश्चन है इस नेटवर्क में कौन सा एलिमेंट इन तीनों में से तीनों में से कौन सा एलिमेंट एक्टिव है और कौन सा एलिमेंट पैसिव है ये मेरा क्वेश्चन है ठीक है विच विच एलिमेंट इज एक्टिव मेंट इज एक्टिव एंड विच वन इजिव कौन इनमें एक्टिव है और कौन इनमें पैसिव है कैसे पता लगाएंगे अब हम यहां देखेंगे करेंट और वोल्टेज का डायरेक्शन क्लियर है इससे हम बताएंगे तो देखते हैं इस नेटवर्क को मैं रिप्लेस कर देता हूं ये आपका नंबर वन है एलिमेंट नंबर वन यहां आपके पास सेकेंड एलिमेंट है एलिमेंट नंबर टू और यहां आपके पास थर्ड एलिमेंट है एलिमेंट नंबर थ्री मुझे यह नहीं पता ये एलिमेंट क्या है आई डोंट नो बट उस एलिमेंट के क्रॉस मुझे वोल्टेज पता है रेजिस्टेंस पता है इस एलिमेंट नंबर टू का मुझे रेजिस्टेंस पता है टू ओम क्लियर है तीन पैरामीटर हो सकते हैं वोल्टेज करंट और उसका रेजिस्टेंस ठीक है तो इसका रेजिस्टेंस पता था इस एलिमेंट का डायरेक्शंस के साथ आपको वोल्टेज पता है फाइव एलिमेंट नंबर थ्री का हमें वोल्टेज पता है थ्री वोल्ट क्लियर है नाउ no. कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बता सकता है एलिमेंट वन एलिमेंट टू एलिमेंट थ्री ठीक है कोई मुझे ये आंसर अभी बता सकता है एलिमेंट थ्री एक्टिव होगा या पैसिव होगा एलिमेंट थ्री एलिमेंट थ्री इज एक्टिव और पैसिव ये मेरा क्वेश्चन है ठीक है एलिमेंट थ्री इज एक्टिव और पैसिव बताइए एलिमेंट थ्री इज एक्टिव और पैसिव या सूर्या प्रताप आपने मुझे बोला है कि एलिमेंट वन इज एक्टिव या करेक्ट एलिमेंट वन एलिमेंट टू और एलिमेंट थ्री एलिमेंट टू आपको दिख रहा है एलिमेंट थ्री एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है ये मेरा क्वेश्चन है एलिमेंट थ्री क्लियर वाट विल बी द एलिमेंट थ्री क्लियर थीके? आपने मुझसे पूछा है सर कैपेसिटर के क्वेश्चन क्वेश्चन में मैं आऊंगा वेट कीजिए मेरी थ्योरी कंप्लीट होने दीजिए केसीएल केवीएल इक्विवेलेंट सर्किट एंड पावर लॉ ये तीन टॉपिक और होने दीजिए फिर आप देखेंगे मैजिक नेटवर्क में चालू होगा प्रॉब्लम के साथ फिर भी अभी मैं कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं अभी ठीक है so सो देट आपसे गलती ना हो एलिमेंट्री आपने मुझे आंसर दिया पैसिव ठीक है नाउ जनरली इसे देख के तो हर बच्चा ये बोलेगा ना ये वोल्टेज सोर्स है एवरी स्टूडेंट विल से ये सोर्स है ये सोर्स है ये रेजिस्टेंस है रियल लाइफ में मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता कि ये क्या है ये क्या है और ये क्या है रील्स रियलिटी हमें नहीं पता ये तीनों क्या है बट हमें ये पता है यहां एक एलिमेंट है जिसके अक्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट है विद डायरेक्शन एक एलिमेंट है जिसका रेजिस्टेंस हमें पता है टू ओम है और यहां एक एलिमेंट है जिसका वोल्टेज हमें पता है थ्री वोल्ट है मुझे अभी ये नहीं पता ये आपका वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है कि ड्रॉप वोल्टेज है अभी मुझे ये नहीं पता ये वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है कि ड्रॉप वोल्टेज है अगर किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज मिलता है तो वो आपका एनर्जी डिलीवर करेगा और अगर किसी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज मिलता है मतलब वो एनर्जी कंज्यूम करेगा इसका मतलब अगर कोई बच्चा इसे देख के ऐसा बोल दे कि एक्टिव है तो ये आंसर गलत हो जाएगा क्लियर सिंह और अगर कोई बच्चा ये बोले कि एक वोल्टेज सोर्स है तो भी ये आंसर गलत हो जाएगा ये जरूरी नहीं कि ये सोर्स है क्लियर सिंह ये एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज हमें पता है थ्री वोल्ट अब हमें ये पता करना है कि वोल्टेज ड्रॉप था या वो एक्चुअल में वोल्टेज सप्लाई है क्लियर तो ये तो बहुत सिंपल सा नेटवर्क है आप निकाल सकते हैं यहाँ फाइव वोल्ट है यहाँ थ्री वोल्ट है तो यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा फाइव माइनस थ्री टू वोल्ट एंड टू बाई टू तो यहां जो करेंट मिलेगा वन एम्पियर इतना क्लियर है सो so, यहां हमें करंट पता चल गया वन एम्पियर और अगर यहां वन एम्पेयर करेंट का डायरेक्शन पता है तो यहां आपको प्लस माइनस ड्रॉप मिल जाएगा दिस इज टू वोल्ट ये आपको पता चल गया तो रजिस्टर तो दिख रहा था तो अगर मैं यहां लिखता हूं एलिमेंट नंबर वन, एलिमेंट वन, एलिमेंट वन क्या होगा नहीं पता एलिमेंट टू एलिमेंट टू तो हमें दिख रहा है सीधा सीधा रजिस्टर है इसका मतलब एलिमेंट टू तो हमारा पैसिव होगा और रजिस्टर हमेशा लीनियर होता है दिस इज लीनियर क्लियर है नाउ अब एलिमेंट वन एंड एलिमेंट थ्री हमें वोल्टेज पता है तो आपको अगर करंट का डायरेक्शन पता है यहां देखेंगे करंट वन एम्पियर प्लस से एंटर कर रहा है और सेम करंट यहां आएगा यहाँ वन एम्पियर माइनस से एंटर कर रहा है तो आपको पता है कि करंट अगर निगेटिव सेंटर करता है सो so हमारा एलिमेंट क्या होता है एक्टिव और हमें पता है एलिमेंट नंबर थ्री दिस इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट नंबर थ्री पे करेंट आप देखेंगे पॉजिटिव सेंटर कर रहा है इसका मतलब वो एलिमेंट क्या होगा क्या होगा पैसिव एलिमेंट क्लियर है क्या होगा पैसिव एलिमेंट ओके अब हमें ये एलिमेंट एग्जैक्टली exactly नहीं दिख रहा है ये क्या है तो वी बाय आई आप अगर निकालते हैं तो यहां रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी मतलब एक रजिस्टर के जैसे बिहेव करेगा क्लियर है तो हम उसे बोल सकते हैं वो आपका लीनियर एलिमेंट होगा या नॉन लीनियर एलिमेंट होगा अब हम इसे बोल सकते थे ये लीनियर एलिमेंट होगा और ये आपका सोर्स है मिस एक्टिव है और ये इंडिपेंडेंट सोर्स है और आपको पता है इंडिपेंडेंट सोर्स आपका क्या होता है लीनियर और नॉन लीनियर नॉन लीनियर अब हम यहां लीनियर की बात नहीं करेंगे फिर ठीक है गडिंग तो लिनियरटी अभी हम यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एक्टिव और पैसिव की बात करूं तो एक्टिव और पैसिव आप ऐसे बता सकते हैं लीनियर नॉन लीनियर के लिए आपको एलिमेंट का पता होना जरूरी है अदरवाइज आप उसका आंसर नहीं दे सकते क्लियर है जैसे कि हमें दिख रहा है रसिस्टर है तो हम बोल सकते हैं लीनियर है तो जब जब लिनियरटी की जरूरत होगी एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू कि नेटवर्क के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ठीक है जैसे मैंने बॉक्स बनाया था इससे पहले सो लीनियर नॉन लीनियर एग्जामिनर विल प्रोवाइड यू नाउ एक्टिव एंड पैसिव आपको पता करना है क्लियर और ये कैसे पता करेंगे हम सभी एलिमेंट को चेक करेंगे कौन एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कौन एनर्जी डिलीवर कर रहा है ठीक है सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग सो क्या इस सर्किट को मैं रिप्लेस कर सकता हूं नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या इस सर्किट को हम ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं दिस इज थ्री वोल्ट सॉरी दिस इज फाइव वोल्ट दिस इज फाइव वोल्ट और ये सोर्स है तो हम इसे एज इट इज रहने देते हैं यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज टू ओम और यहां एक ऐसा एलिमेंट है जो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है और आपको उसका करंट भी पता है वोल्टेज भी पता है तो इसका अगर मैं रेजिस्टेंस निकालू सो वी बाय आई यही होगा वी इज थ्री एंड दिस इज वन थ्री बाय वन इज थ्री ओम सो आप इस एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते थे यहां ऐसा और इसकी वैल्यू हम लिख सकते थे थ्री ओम बोथ सर्किट इज सेम बोथ सर्किट इज सेम क्लियर दिम दिस एंड दिस सर्किट इज एज इट इज सेम रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट ओनली। ओनली रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है क्लियर माई पॉइंट सो हम कभी भी देख के कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये वोल्टेज सोर्स है क्लियर द थिंग क्लियर दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग तो एक्टिव और पैसिव को हमेशा चेक करना पड़ेगा जब भी मैं ऐसे ब्लॉक दू तो so आप इसे आग बंद करके सोर्स नहीं कह सकते करिंग का डायरेक्शन डिसाइड करेगा सोर्स है या वो सोर्स नहीं है क्लियर तो एलिमेंट वन विल बी एक्टिव एलिमेंट टू विल बी पैसिव एंड एलिमेंट थ्री विल बी पैसिव बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर मुझे पैसिव दिया है ओके गुड क्लियर द थिंग परफेक्ट तो so, जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया है दैट इज गुड क्लियर बट अगर इन जनरल मैं बच्चों से पूछता हूं कि ये क्या है सो मोस्टली स्टूडेंट विल से दिस इज वोल्टेज सोर्स अब मैं आपसे पूछता हूं एलिमेंट थ्री वोल्टेज सोर्स है या वोल्टेज ड्रॉप है सो एलिमेंट थ्री आपका एक्चुअल में क्या है वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप दिस इज नॉट ए वोल्टेज सोर्स इज नॉट ए वोल्टेज सोर्स और अगर मैं आपसे पूछता हूं एलिमेंट वन दिस इज वोल्टेज सोर्स है और वोल्टेज ड्रॉप है सो एलिमेंट वन इज ए सोर्स एंड दिस इज ए विच काइंड ऑफ सोर्स वोल्टेज सोर्स क्लियर तो वोल्टेज सोर्स एंड ड्रॉप की मीनिंग हमें क्लियर होना मस्ट है क्लियर सो so, इतना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए क्लियर है ना एक और इंपॉर्टेंट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वॉन्ट टू डिस्कस क्लियर नाउ सो एक्टिव क्या होता है पैसिव क्या होता है क्लियर ये टॉपिक फिर से मैं लूंगा पावर लॉ पे नाउ no. अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं किरचौप लॉ स्टार्ट करने से पहले डिपेंडेंट सोर्स ठीक है मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं डिपेंडेंट सोर्स की ठीक है जिसमें जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द बच्चों को डिपेंडेंट सोर्स में कंफ्यूजन होता है मैं एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं वन एक्साम्पल क्लियर नाउ अगर हमारे पास यहाँ एक डिपेंडेंट सोर्स है लाइक दिस एंड दिस वैल्यू इज फाइव आई वन इस नेटवर्क में कहीं हम एक करेंट ले लेंगे I1. यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है क्लियर इतना नाउ अगर हम इसकी वैल्यू लेते हैं टू ओम सपोज दिस इज टू ओम Suppose this is one ohm. Suppose this is one ohm. Clear? Now, यहाँ जो करेंट फ्लो हो रहा है हम इसे I1 बोलते हैं क्लियर है Clear? एक छोटा सा मैंने नेटवर्क लिया है इस नेटवर्क में कौन कौन से एलिमेंट आपको दिख रहे हैं वन रजिस्टर 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 मतलब ये चारों आपके पैसिव एलिमेंट है और एक आपका डिपेंडेंट सोर्स है क्लियर यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई वन वट इज द वैल्यू ऑफ आई वन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्लियर मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं आपको उन तीनों ऑप्शन में आंसर बताना है ऑप्शन ए मैं देता हूं आई वन इज इक्वल टू इन फानाइट एम्पियर ऑप्शन बी मैं आपको देता हूं आई वन इज इक्वल टू एनी वैल्यू ए नी कॉन्स्टेंट वैल्यू ए नी कॉन्स्टेंट वैल्यू एंड थर्ड ऑप्शन मैं देता हूं I1 वन इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू एंड एक और ऑप्शन देता हूं I1 वन इज इक्वल टू कैन नॉट फाइंड आउट और कांट डिटर माइन कांट डिटर ठीक है इस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि डिपेंडेंट सोर्स होता क्या है एक्सैक्टली टेल मी द आंसर जो बच्चे थोड़ा मत नेटवर्क जानते हैं मुझे आप इसका आंसर बताइए ए होगा बी होगा सी होगा और डी होगा क्या होगा इसका आंसर और अगर आपने इसका आंसर सही दे दिया तो डिपेंडेंट सोर्स आपको समझ में आना चालू हो जाएगा क्लियर है ये एक्चुअल थ्योरेटिकल टॉपिक है मैंने एक प्रॉब्लम से इस टॉपिक को समझाने के लिए लिखा है मी आंसर क्या होगा मुझे एक आंसर मिला है बी एक और आंसर मुझे मिला है बी मुझे एक आंसर मिला है बी एक आंसर और मिला है बी और बी 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 एक बच्चे का आंसर मुझे मिला है डी एक बच्चे का आंसर मुझे मिला है जीरो तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर बी है एक बच्चे का आंसर डी है एक बच्चे का आंसर जीरो एम्पियर जीरो एम्पियर मतलब आपका ऑप्शन सी है अब आप देखेंगे अब आप देखेंगे ठीक है समझिए ये, ये नेटवर्क है ये नेटवर्क है ठीक है इस नेटवर्क के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है ये टू ओम है ये आपका टू ओम है ये वाला आपका वन ओम है और ये आपका वन ओम है और ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है डिपेंडेंट सोर्स नेटवर्क के अंदर हो सकता है मैंने थोड़ी देर पहले बोला यस हो सकता है तो इस नेटवर्क के अंदर ये वन टू वन टू थ्री फोर फाइव एलिमेंट है ठीक है नाउ क्लियर अब आपने इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया है आपने इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट नहीं किया है तो मैं पूछता हूं इस नेटवर्क के अंदर कहीं भी वोल्टेज और करेंट कितना होगा वोल्टेज और करेंट कितना होगा आपने तो पावर सप्लाई लगाया ही नहीं है यहां सिर्फ रेजिस्टेंस है और डिपेंडेंट सोर्स है सो so, ये नेटवर्क को जब तक पावर सप्लाई नहीं लगाएंगे मीन्स इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं देंगे इस नेटवर्क में कोई भी करेंट या वोल्टेज फ्लो नहीं होगा इसका मतलब दिस नेटवर्क इज ए दिस नेटवर्क इज ए डेड नेटवर्क ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं डेड नेटवर्क क्लियर या कहीं भी करेंट और वोल्टेज अगर आप इस करेंट को नाम देते हैं आई टू इस करेंट को नाम देते हैं आई थ्री सो आई वन जीरो आई टू जीरो आई थ्री जीरो क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है ऑनली इनडिपेंडेंट सोर्स नहीं है सो हियर आई वन आई टू आई थ्री ऑल द करेंट इज जीरो एम्पियर आप यहां आंसर डी नहीं दे सकते कैन नॉट डिटर डिटरमाइन तो कर सकते हैं ना जीरो एम्पियर कुछ फ्लो ही नहीं होगा बिकॉज दिस इज ए डेड नेटवर्क वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है सो so, कभी भी किसी भी नेटवर्क में अगर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो उस नेटवर्क में करेंट और वोल्टेज हमेशा क्या होगा जीरो होगा क्योंकि आपने सप्लाई तो लगाया ही नहीं जीरो so मैं इस क्वेश्चन को solve करने को करने बोलता, तो कोई बच्चे इसे करके आंसर निकालने की कोशिश करते। इसीलिए मैंने लिख दिया वोल्टेज so, पूछूं यहां कितना होगा जीरो कितना होगा जीरो कितना होगा जीरो यहां कितना होगा जीरो यहां कितना होगा जीरो so, जगह वोल्टेज क्या होगा जीरो होगा क्लियर सो so, यहां हम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं यहां हम एक इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं क्या नोट लिखते हैं डिपेंडेंट सोर्स विल बी ट्रीटेड एस ए सोर्स डिपेंडेंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स विल बी विल बी ट्रीटेड एस ट्रीटेड एस ए सोर्स Only when well, at least at least one independent source at least one independent source present in the network source present in the network present in the network आप सभी मेरे साथ साथ notes जरूर बनाते चलेंगे ठीक है अगर आपको अच्छी command करना है तो कि मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा जो आपके फ्यूचर में शॉर्ट नोट्स के भी काम आएगा क्लियर सो डिपेंडेंट सोर्स विल बी ट्रीटेड सोर्स एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट इन द नेटवर्क अदरवाइज अगर यहां एक भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है इसका मतलब ये डेड नेटवर्क है क्लियर अगर आप मार्केट से एक फैन खरीद के लाते हैं और फैन को पावर सप्लाई से नहीं लगाए हैं सो तो उस फैन के अंदर कहीं पे भी करंट या वोल्टेज मेजर करेंगे तो कितना मिलेगा जीरो एम्पियर एंड जीरो वोल्ट क्लियर दिस क्लियर सो मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर यहां पे बी डी बी डी बी एंड डी था क्लियर गलत है आंसर क्या होगा जीरो एम्पियर क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेटवर्क में अगर इंडिपेंडेंट नहीं है सिर्फ डिपेंडेंट है तो सीधा सीधा एवरीवेयर वेयर करेंट वोल्टेज जीरो इसको मैंने नाम दिया डेड नेटवर्क तो अपने दिमाग में डेड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट रखिए क्लियर है इतना अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं इतना क्लियर है क्लियर ये ना no. so, इस नेटवर्क में कहीं भी वोल्टेज और करेंट नहीं होगा ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा था ये आप सभी इसे जरूर नोट करेंगे क्लियर है अब वन इंपॉर्टेंट पॉइंट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ही एक और एग्जांपल लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं फिर से मैं एक डिपेंडेंट सोर्स लेता हूं ऐसा कुछ और यहां मैंने एक रजिस्टर लगाया क्लियर और यहां मैंने एक और रजिस्टर लगाया और यहां मैंने एक और रजिस्टर लगाया ऐसा कुछ क्लियर इस टर्मिनल को मैंने ए बोला और इस टर्मिनल को मैंने बी बोला अगेन दिस 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 इज 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 ओम 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 और यहां हमने एक वोल्टेज सोर्स लिया है एंड दिस इज फाइव पाई वन अगर मैं पूछता हूं कौन सी कैटेगरी का डिपेंडेंट सोर्स है करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स ये कौन सी कैटेगरी का वोल्टेज सोर्स था दिस इज करेंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स लीनियर है या नॉन लीनियर है लीनियर है अगर यहाँ आय वन स्क्वायर हो जाता क्यू हो जाता रूट हो जाता तो ये नॉन लीनियर होता और हमारे सिलेबस में नॉन लीनियर नहीं है आगे भी आपको कभी नॉन लिनियर डिपेंडेंट देखने को नहीं मिलेगा ठीक है नॉन सो so, अगर हम एक ऐसा क्वेश्चन इसे आई वन ले लेते हैं और यहां जो करेंट फ्लो हो रहा है दिस इज आय वन क्लियर सो ये नेटवर्क डेड है यस yes. समझ लीजिए फैन की सर्किट है एक फैन की सर्किट है एक नेटवर्क है सो so, ये है क्या एक्चुअल पे एक नेटवर्क ये एक नेटवर्क है किस कैटेगरी का नेटवर्क है डेड सभी नेटवर्क तो डेड ही होते हैं जब तक आप पावर सप्लाई नहीं लगाएंगे सो so, ये एक नेटवर्क है और यहां आपके पास दो टर्मिनल है ए एंड बी क्लियर अगर आप ए और बी के बीच मल्टीमीटर लगाते हैं और वोल्टेज मेजर करते हैं करंट मेजर करते हैं तो कितना मिलेगा जीरो सो so, यहां एवरीवेयर एवरीवेयर वोल्टेज आपको जीरो मिलेगा करेंट आपको जीरो मिलेगा क्लियर है बट अगर आप ए और बी के बीच मल्टीमीटर लगाते हैं तो so क्या इसका इंपीडेंस या रेजिस्टेंस मिल सकता है यस yes! तो अगर अगर अभी कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और हमसे यहां वोल्टेज या करंट पूछा जाता है तो so सब कुछ जीरो होगा बट इसका रेजिस्टेंस पॉसिबल है और इंपीडेंस पॉसिबल है सो so यहां पे इस सर्किट का इंपीडेंस दे या फिर इसका रजिस्टेंस आ अगर ये रजिस्टिव है तो आर ए बी होगा अगर यहाँ इम्पिडेंस है तो जेड ए बी ये पॉसिबल है सो वॉट आई कैन से ही अगर ये आपका डेड नेटवर्क है सो so डेड नेटवर्क में यहां वोल्टेज आपका सभी प्लेसेस पे जीरो होगा सभी प्लेसेस पे करेंट जीरो होगा बट आपको इस नेटवर्क में जेड ए बी या फिर आर ए बी जेड ए बी और यू कैन से रेजिस्टेंस आर ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो ये आपको कुछ मिलेगा ठीक है आगे थ्योनिन थ्योरम जब हम पढ़ेंगे तो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे बच्चों को थ्योनिन थ्योरम पे जब जब डिपेंडेंट सोर्स आता है थोड़ा सा डर लगता है क्लियर है सो इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपका डर खत्म हो जाएगा क्लियर दिस डिपेंडेंट सोर्स कॉन्सेप्ट ना सो डिपेंडेंट सोर्स का बेसिक फंडामेंटल मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए क्लियर तो आई होप कि ऑल द सोर्स इज क्लियर क्लियर, का डायरेक्शन आर एल सी का डायरेक्शन फिक्स होता है वोल्टेज सोर्स, सोर्स का एक का डायरेक्शन है तो दूसरे का डायरेक्शन आपको सर्किट से ही मिलेगा ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज के लॉ नेक्स्ट टॉपिक इज के लॉस के लॉस के फॉर द किरचॉफ लॉ क्लियर है नेटवर्क की अगर आप पूछें कि नेटवर्क की जान क्या है सो so, नेटवर्क की जान है के लॉ किड लॉ तो इस पूरे सब्जेक्ट को एक्चुअल पे एवरी वेयर जो हमें लगाना होगा दैट इज कर्ट लॉ ठीक है तो अगर कोई बोले कि नेटवर्क को नेटवर्क का जन्मदाता कौन है यू कैन से कौन है किच ठीक है इस सब्जेक्ट का सो so, के लॉ पे हम दो लॉ पढ़ने वाले हैं पहले लॉ का नाम है के सी एल और दूसरे लॉ का नाम है केवीएल क्लियर है केसीएल फॉर किरचॉफ करेंट लॉ हम इसे बोलते हैं करेंट लॉ करेंट लॉ और दिस इज नथिंग बट वोल्टेज तो लॉ वोल्टेज लॉ ठीक है आगे हम एक और लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बाद में पढ़ेंगे ये हम जिसका नाम होगा पावर लॉ ठीक है एंड पावर लॉ को हम बोलते हैं टेलीगन थ्योरम क्या बोलते हैं इस पावर लॉ so, को हम टेलीगन थ्योरम टेलीगंस इज ए अगेन साइंटिस्ट थ्योरम तो प्रैक्टिकली हमें थ्री लॉ पढ़ने हैं करेंट लॉ वोल्टेज लॉ एंड पावर लॉ ठीक है करेंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ को किरचॉक ने दिया था एंड पावर लॉ को किसने दिया था हमें टेलीगन ने ठीक है बोथ आर द साइंटिस्ट ने अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है इसको स्टार्ट करने से पहले केसीएल और केवीएल अगर मैं आपसे पूछूं विच वन इज मोर पावरफुल विच वन इज मोर पावरफुल मोर पावरफुल ओके फ्रॉम फ्रॉम केसीएल एंड केवीएल ठीक है वैसे आइडियली क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना चाहिए बट ये आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है ठीक है आइडियल आंसर तो दोनों सेम होगा बट रियल पे ऐसा नहीं है जब हम नेटवर्क सॉल्व करेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे जो पावरफुल होगा वही इंप्लीमेंट होगा तो इन रियलिटी दोनों में कोई एक पावरफुल है तो कोई बता सकते हैं विच वन इज मोर पावरफुल बताइए मुझे दो आंसर मिला है केवीएल एंड केवीएल विच वन इज मोर पावरफुल केसीएल एंड केवीएल दो बच्चों का मुझे आंसर मिला है केवीएल केवीएल एक बच्चे का आंसर मुझे मिला है केसीएल एक, एक बच्चे का मुझे मिला है केवीएल नाउ ठीक है ओके सो ठीक है ये आंसर हर बच्चा जनली नहीं दे सकता केसीएल इज मोर पावरफुल बिकॉज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर नो आपका लॉजिक गलत है ठीक है आपका लॉजिक गलत है आई स्क्वायर आर के कारण मोर पावरफुल है नहीं इन दोनों में जो पावरफुल है वो केसीएल फिर चौप करेंट लॉ इज द मोर पावरफुल क्लियर है ऐसा नहीं कि उसमें उस थ्योरम पे उस मेथड पे कुछ डिफरेंट चीजें नो बट no. ज्यादातर जितने नेटवर्क होते हैं उन मोस्ट ऑफ द नेटवर्क में केसीएल लगाएंगे तो दो इक्वेशन बनेगा और केवीएल लगाएंगे तो दो से ज्यादा इक्वेशन बनेगा ठीक है तो KCL लगाएंगे तो अगर दो इक्वेशन में सॉल्व होता है तो केवीएल में कहीं थ्री लगेगा सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप देखेंगे केसीएल से नंबर ऑफ इक्वेशन कम लगेंगे और केवीएल से नंबर ऑफ इक्वेशन ज्यादा लगेंगे बट दिस इज नॉट हंड्रेड परसेंट ट्रू दिस इज मेजोरिटी इसीलिए आप हमेशा किसको प्रेफर करेंगे केसीएल को किसको प्रेफर करेंगे केसीएल को तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम के लॉ इज केसीएल किरचॉफ करंट लॉ सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज केसीएल क्लियर केसीएल क्लियर है इतना नाउ no. तो बहुत सारे बच्चों का आंसर यहां पे केवीएल 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 था क्योंकि आप केवीएल पहले पढ़ते हैं मैं यहां पे इसीलिए केसीएल को पहले पढ़ा रहा हूं ठीक है नाउ So, अगर हम के की बात करें तो केसीएल कहाँ पे डिफाइन होता है सो so, सबसे पहले आप यहां लिखेंगे केसीएल इज द डिफाइंड के सी एल इज डिफाइंड एट नोड के सी एल डिफाइंड है किसी नोड पे डिफाइंड है क्लियर है ना no. अब हमारे पास जो नोड कितने तरीके से हो सकते हैं तो नोड को हम टू पार्ट में लिख सकते हैं एक को मैं बोलता हूं सिंपल नोड सिंपल नोड एंड सेकेंड को मैं बोलता हूं प्रिंसिपल नोड प्रिंसिपल नोड क्लियर है सिंपल नोड एंड प्रिंसिपल नोड आप हमेशा प्रिंसिपल पढ़ते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है ऐसा कुछ और हमारे पास कोई एक और एलिमेंट है ऐसा कुछ क्लियर इन दोनों को हमने यहाँ कनेक्ट किया है तो अगर सिर्फ जहां दो पाथ ज्वाइंट होते हैं इस नोड को हम बोलते हैं सिंपल नोड सिंपल नोड क्लियर है ज्यादातर आप इसे अवॉइड करते हैं इसीलिए कभी कभी हम फंस जाते हैं अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग और अगर हम कहीं दो से ज्यादा एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे दिस इज वन दिस इज टू और यहां हम एक और ले लेते हैं दिस इज थ्री अगर हम दो से ज्यादा एलिमेंट को कनेक्ट करते हैं तो हम इस नोड को बोलते हैं प्रिंसिपल नोड प्रिंसिपल नोड क्लियर है सो ये दिमाग में रखिए कि केसीएल किसी भी नोट पे डिफाइंड है चाहे वो सिंपल हो या प्रिंसिपल हो क्लियर है मिस वहां पे दो एलिमेंट ज्वाइंट हो या दो से ज्यादा एलिमेंट ज्वाइंट हो दोनों पे डिफाइंड है एंड अगेन आई एम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर है ना ठीक है गढ़े दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नाउ so नाउ अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड में क्या डिफरेंस है सो so जहां सिर्फ टू ब्रांचेस कनेक्ट होती है वो सिंपल नोड होता है तो so आप यहां लिख सकते हैं सिंपल नोड का मतलब होता है सिंपल नोड जहां ओनली टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड दैट इज सिंपल नोड एंड प्रिंसिपल नोड आप किसे बोलेंगे प्रिंसिपल नोड जहां नॉट थ्री मोर देन टू ब्रांचेस वेयर मोर देन टू ब्रांचेस मोर देन टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड ब्रांचेस आर कनेक्टेड ये अगर आपको क्लियर है तो आप फिफ्टी परसेंट इस थ्योरम पे एक्सपर्टाइज हासिल कर लेंगे ठीक है ना तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केसीएल केसीएल हमें एक्जैक्टली exactly क्या कहता है वट इज द डेफिनेशन वट इज द डेफिनेशन डेफिनेशन क्या होता है किसी भी नोट पे किसी भी नोट पे एल जेब्रिक ब्रांच करेंट इज जीरो। तो डेफिनेशन क्या होता है इन एनी नोट इन एनी नोट एनी नोट चाहे वो सिंपल हो या प्रिंसिपल हो इन एनी नोट एलजेब्रिक सम आप, एलजेब्रिक सम क्यों बोला कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है कोई निगेटिव भी हो सकता है एल्जेब्रिक ब्रांच करेंट ऑल द ब्रांच करेंट इज जीरो इज जीरो दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ये हो चुका है आपका ना दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बहुत सारे बच्चे इस डेफिनेशन को ऐसा लिखते हैं किसी नोड पे सम ऑफ इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू सम करेंट इसका सेकंड डेफिनेशन ये भी हो सकता है इन एनी नोड इन एनी नोड सम ऑफ सम करेंट एंटरिंग करेंट इज इक्वल टू सम ऑफ करेंट Of of बच्चे ये वाला याद रखते हैं, मैंने दोनों आपको सो इन एनी एलजेब्रिक सम ऑफ एंटरिंग करेंट इजलिविंग करेंट और यू कैसे इनकमिंग करेंट इज इगल टू आउट गोइंग करेंट ओके ना चलिए इसे हम समझते हैं अगर हमारे पास यहाँ एक एलिमेंट था एक ब्रांच है उसे बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं मुझे नहीं पता कौन सा एलिमेंट है नौ यहाँ एक और एलिमेंट है ऐसा कुछ यहाँ एक और एलिमेंट है ऐसा कुछ एक ब्रांच है यहाँ एक और एलिमेंट है कुछ ऐसा कुछ यहाँ एक और एलिमेंट है कुछ ऐसा कुछ तो हमारे पास फाइव ब्रांचेस है इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर एंड नंबर फाइव ऐसा क्लियर सभी में हमें करेंट अगर गिवन है number one, number two, number three, number करंट हमें पता है आई वन इन दिस डायरेक्शन यहां करंट हमें पता है इन दिस डायरेक्शन यहां अगर हमें करंट पता है दिस इज I3 थ्री यहां अगर हमें करंट पता है इन दिस डायरेक्शन I4 फोर यहां अगर हमें करंट पता है दिस इज I5 फाइव ऐसा कुछ तो चलिए यहां हम लिखते हैं आई वन देखेंगे अंदर आ रहा है यहां अगर हम देखेंगे करंट आई टू यहां आउट गोइंग है इस नोट पे अगर आप आई थ्री को देखेंगे तो ये आपका आउट गोइंग है इस नोट पे आप देखेंगे आई फोर आपका इनकमिंग है और इस नोट पे देखेंगे आई फाइव दिस इज आउट गोइंग है ऐसा कुछ आपको गिवन है क्लियर है इतना ऐसा कुछ आपको गिवन है अब आप सबसे पहले ये समझिए करंट आया कहां से ये नेटवर्क इतना नहीं ये बहुत बड़ा नेटवर्क है क्लियर है ना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उसमें पर्टिकुलर एक नोड है कहीं पे और इस नोड में इधर बहुत सारे ब्रांचेस है और सभी में बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं अगर हमें किसी भी नोड में सभी ब्रांच का करेंट पता है या एक ब्रांच का नहीं पता बाकी सभी ब्रांच का पता है या किसी भी नोड पे कुछ ब्रांच के करेंट पता है तो वहां हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्लियर है एक इक्वेशन लिख सकते हैं तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम दिस फर्स्ट डेफिनेशन इन एनी नोट सम ऑफ ऑल द ब्रांच करें So, मैं क्या करता हूं जो लिविंग है उसे पॉजिटिव लेता हूं तो ये मेरा प्रोटोकॉल है सो so, मैं यहां पे लिविंग करेंट लिविंग करेंट को पॉजिटिव लूंगा और इनकमिंग करेंट इनकमिंग करेंट को मैं निगेटिव लूंगा ठीक है अगर आप ये फर्स्ट डेफिनेशन में चलते हैं आप अपोजिट भी ले सकते हैं कोई इशू नहीं है दोनों में सेम आंसर मिलेगा बट एक प्रोटोकॉल हमेशा फॉलो करना है आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप मेरे प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए लिविंग करेंट पॉजिटिव होगा इनकमिंग करेंट निगेटिव होगा ठीक है तो यहाँ कौन आई वन इज इनकमिंग तो हम इसे क्या लिख सकते हैं माइनस आई वन आई थ्री सॉरी आई टू इज आउट गोइंग तो आउट गोइंग इज प्लस प्लस आई टू आई थ्री इज आउट गोइंग प्लस आई थ्री आई फोर इज इनकमिंग माइनस ऑफ आई फोर

I1 incoming है और I4 तो उट गोइंग करेंट आउटंग करेंट कौन है I2 है I3 है और I5 है I2, I3, I5 ठीक है तो दोनों डेफिनेशन से हम इक्वेशन लिख सकते हैं ठीक है जनरली ये वाला फार्मूला हम बहुत रेयर केस में यूज करते हैं सभी जगह यही फार्मूला यूज होता है इसीलिए आप यहां एक प्रोटोकॉल फिक्स कीजिए कि हम लिविंग करेंट मिस आउट गोइंग करेंट को हम पॉजिटिव लेंगे इनकमिंग करेंट को हम नेगेटिव लेके इक्वेशन लिखेंगे क्लियर है इतना नाउ नाउ कम ऑन द पॉइंट क्लियर दिस क्लियर दिस नाउ अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं यहाँ पे ठीक है सभी को क्लियर है इतना नाउ वन स्मॉल क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं नाउ एक मुझे करेंट यहां पे गिवन है दिस इज थ्री एम्पियर यहां हम एक करेंट गीवन है दिस इज टू एम्पियर ओके नौ और यहां एक रजिस्टर हमें गिवन है ऐसा कुछ ठीक है एंड दिस इज वन ओम क्लियर इस रजिस्टर के क्रॉस करेंट है आई तो so, मुझे यहां पे निकालना है आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्लियर है आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मुझे बताएंगे कितना करेंट रजिस्टर के क्रॉस फ्लो होगा यहां कितना करेंट होगा रजिस्टर के क्रॉस बताइए कितना करेंट फ्लो होगा बताएंगे केसियल अभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा इनकमिंग आउट गोइंग इतना लिखने से काम नहीं चलता है ठीक है बताएंगे मुझे आय कितना होगा फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं ओके okay, एक आंसर मुझे मिला है फाइव एम्पियर दूसरा आंसर मुझे मिला है फाइव एम्पियर ठीक है तीसरा आंसर मुझे मिला है फाइव एम्पियर चलिए ठीक है और आंसर मुझे बताइए देखिए इसे मैं फिर से रीड्रॉ करता हूं एक हमारे पास एलिमेंट है यहां जिसका करंट थ्री एम्पियर है ये एलिमेंट हो गया यहां से लेके यहां तक ठीक है एक और एलिमेंट लगा देते हैं यहाँ पे टू एमपी ये यहाँ तक टू एम्पियर क्लियर अब ये केबल है आपके पास ये वायर है और यहां तक वायर है आपके पास यहां तक वायर है ठीक है यहाँ फिर से एलिमेंट लगा रहे हैं जो रजिस्टर है ऐसा कुछ ऐसा कुछ है रियल पे एलिमेंट है एक एलिमेंट दो एलिमेंट थ्री एलिमेंट एंड इसकी वैल्यू है आपके पास वन ओम हमें यहाँ करेंट निकालना है आए क्लियर है न no. आप देखेंगे ये एक नोड है कौन सा नोड है सिंपल नोड क्लियर क्या है सिंपल नोड? अब चलिए इसको सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक नोड है ऐसा यहां अगर I1 करंट है और यहां अगर I2 करंट है क्लियर है सो क्या उस नोड पे हम केसीएल लगा सकते हैं यस लगा सकते हैं इनकमिंग करेंट इज आई वन मीस माइनस आई वन आउट गोइंग आप चाहे तो, तो इनकमिंग right तो हमें तो दिख रहा है अगर आई वन आ रहा है एक ही पाथ है तो आई टू ही आगे जाएगा उतना ही तो जाएगा ना ऐसा तो नहीं कि कोई हवा में गायब हो जाएगा नहीं होगा तो अगर हम यहाँ पे के सी एल अप्लाई करते हैं अप्लाई के सी एल Apply KCL. इस नोट का हम नाम दे देते एप्लाय केसीएल एट A. एट नोड ए क्लियर है तो क्या होगा दिस इनकमिंग करेंट इज टू एम्पियर तो दिस इज माइनस टू और आउट गोइंग इज प्लस थ्री माइनस टू प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो आप यहाँ क्या लिख सकते थे टू इज इक्वल टू थ्री भी लिख सकते थे सो so ये तो मैथमेटिक्स ही गलत हो गया सो हियर दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग अगर यहां मैथमेटिकली रॉन्ग मिल रहा है इसका मतलब ये सर्किट फॉल्टी है यह सर्किट गलत है सो so यहां पर आंसर क्या होगा सो हियर आंसर विल बी आंसर विल बी वायोलेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ केसीएल वायोलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं उल्लंघन वायुलेसन तो आप सभी जानते होंगे सो केसीएल का यहां पे वायुलेसन हो रहा है सो व्हाट विल बी द आंसर सर्किट कैन नॉट एग्जिस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट तो जैसे ही आप दो करेंट सोर्स को लगा देंगे ठीक है तो वहां पे स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी क्या हो जाएगी स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी सो so, प्रैक्टिकली आप ऐसे सर्किट कनेक्ट नहीं कर सकते क्लियर दे सिंपल so, नोट पे भी हम के लगा सकते हैं क्लियर ओके एक बच्चे का मुझे आंसर मिला है इनवैलिड एक बच्चे का आंसर मुझे मिला है इनवैलिड गुड ठीक है ऐसे ही बस आपको ऐसे ही आपको लगे रहना है क्लियर है तो प्रैक्टिकली सर्किट विल नॉट एक्जिस्ट बहुत सिंपल सी चीज है ये इतना एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर पे आना चाहिए ये तो अब हम इलेवन टी जे की तैयारी करते हैं उस समय भी अब हम इतना पढ़ लेते हैं ठीक है ठीक है बट इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर में एटलीस्ट ये छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए ठीक है नहीं आती है कोई बात नहीं अभी हम सीखेंगे ठीक है बट ऐसा नहीं कि आगे हम बिना सीखे चले जाएंगे नो अभी हमें सीखना है ठीक है बहुत सिंपल चीज थी तो केसीएल को आपको प्यार से लगाना है किसी भी नोट पे किसी भी नोट पे लगा सकते हैं आप कैसे लगाएंगे इनकमिंग करेंट को नेगेटिव लीजिए आउट गोइंग करेंट को पॉजिटिव लीजिए एक इक्वेशन लिख दीजिए क्लियर है इतना बोलिए क्लियर है नाउ तो चलिए हम वापस आते हैं हम वापस आते हैं ओके एक और एग्जांपल लेता हूं नेक्स्ट एग्जांपल ठीक है नाउ यहां एक ब्रांच है यहां एक ब्रांच है यहां एक ब्रांच है यहां एक ब्रांच है और यहां एक ब्रांच है फाइव ब्रांचेस मैंने ली ठीक है यहां से जो करेंट है आई वन अंदर आ रहा है यहां से करेंट आई टू बाहर जा रहा है यहाँ से I3 थ्री अंदर आ रहा है यहां से I4 फोर बाहर जा रहा है और यहां से I5 फाइव अंदर आ रहा है ठीक so, है क्या हो आपके पास आई टू प्लस आई फाइव आई टू प्लस आई फोर लिख सकते हैं ना अब ये फिर रिमेंबर फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी आपने पढ़ा था करेंट क्या होता है सो so, क्या हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं डी क्यू वन बाय डी टी प्लस डी क्यू थ्री बाय डी टी प्लस डी क्यू फाइव बाय डी टी लिख सकते हैं इज इक्वल टू इज इक्वल टू डी क्यू टू बाय डी टी प्लस डी क्यू फोर बाय डी टी सो डी टी डी टी पूरे का कैंसल आउट हो जाएगा तो so, यहां से क्या बचेगा q1 वन प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फाइव इज इक्वल टू क्यू टू प्लस क्यू फोर क्लियर सो इसका मतलब चार्ज भी फ्लो होता है हम इसे बोल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन चार्ज तो यहां एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं किसी भी नोट पे किसी भी नोट पे ऑल द चार्ज क्या होगा जीरो होगा और याद रखिए चार्ज फ्लो होता है कैपेसिटर ही एक ऐसा एलिमेंट है जो चार्ज क्या करता है एकोमलेट करता है और यू कैन से स्टोर करता है बट ऐसा जरूरी नहीं कि चार्ज कैपेसिटर वाली जगह पे ही होगा चार्ज आपका किसी भी ब्रांच में हो सकता है सो तो करेंट को हम चार्ज के फॉर्म पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्लियर दिंग सो क्यू वन प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू फाइव क्यू टू प्लस क्यू फोर क्लियर हम इसे क्या बोल सकते हैं तो अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट वैसे एक्सप्रेस सो केसीएल एक आप बोल सकते हैं कि हम करेंट के फॉर्म पे लिख सकते हैं दूसरा चार्ज के फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है ठीक है तो जनरली हम उसे करेंट लॉ बोलते हैं आप उसे चार्ज के फॉर्म पे भी लिख सकते थे क्लियर है इतना ना no. इतना आपको आइडिया होना चाहिए क्लियर इतना आपको आइडिया होना चाहिए क्लियर है ना no. अब अगर हम बात करते हैं यहां केसीएल क्लियर सभी को ना no. अब हम बात करते हैं केवीएल अब हम बात करते हैं केवीएल फिर हम स्टार्ट करेंगे नोडल एनालिसिस और मेज एनालिसिस केसीएल क्लियर ना Now, now, तो यहां point क्या है जो केसीएल याद रखना है केसीएल का इंपॉर्टेंट पॉइंट एप्लीकेबल एट एनी नोट एनी नोट को हमेशा अंडरलाइन करेंगे या स्टेटमेंट लिखेंगे एनी नोट के बाजू में लिखेंगे सिंपल और प्रिंसिपल ठीक है नाउ अब हम सेकेंड मेथड स्टार्ट करते हैं किल्टेवीएस वोल्टेज लॉ दिस इज वोल्टेज लॉ ये कहां पर डिफाइंड है सो केवियल इज डिफाइंड केवियल इज डिफाइंड एट अटी क्लोज लुप लुप अगर लिख रहे हैं तो क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लुप का मतलब ही अंडरस्टूड है कि वो क्लोज है ठीक है बट फिर भी मैंने लिख दिया केवीएल इज डिफाइंड एट अ एनी क्लोज लुप अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग

ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं इन एनी क्लोज लूफ इन एनी क्लोज लूफ इन एनी क्लोज लूफ एल जेब्रिक सम एल जेब्रिक सम वोल्टेजेस ऑल द वोल्टेजेस कौन सा वोल्टेज ब्रांच वोल्टेज ऑल द यहां हम लिख लेते हैं ब्रांच वोल्टेज ऑल द ब्रांच वोल्टेज इज जीरो इज जीरो ठीक है फिर से मैंने बोला एल्जेब्रिक सम आप, किसी भी लूप में जितने भी एलिमेंट है ठीक है मींस वो जितने भी ब्रांचेस हैं उनमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सभी एलिमेंट के थोड़ा वोल्टेज निकालेंगे एंड सभी के वोल्टेज का सम क्या होगा जीरो एल्जेब्रिक सम So. ठीक है तो चलिए देखते हैं। so, देखतेवेल हमें क्या कहता है सो so, केवेल हमें क्या कहता है यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सपोज यहां एक एलिमेंट है इसे हम एक रजिस्टर ले लेते हैं चलिए ठीक है या हम चलिए अब इसे रजिस्टर ओके रजिस्टर ले लेते हैं एक इंडक्टर ले, ले लेते हैं और एक कैपेसिटर ले लेते हैं ऐसा कुछ और यहां हमने एक सप्लाई ले ली भी ऐसा कुछ ठीक है ना दिस इज आर दिस इज एल दिस इज सी क्लियर है ना no. ये हमारे पास वोल्टेज वी है एक ही सोर्स है यहां कितने सोर्स है एक सोर्स है तो ये तो सोर्स ही होगा और अगर ये सोर्स है तो करेंट कहाँ से एंटर करेगा निगेटिव से इतना क्लियर है अगर किसी नेटवर्क में एक ही सोर्स है तो आप करेंट का डायरेक्शन तो इजीली लिख सकते हैं और आप जिस डायरेक्शन में सोचेंगे वो करेक्ट होगा कोई बच्चा करंट ऐसे भी सोच सकता था बट जब अगर वो नीचे सोचेगा और सॉल्व करेगा तो करंट की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी क्या आ जाएगी निगेटिव बट अगर किसी नेटवर्क में एक सिंगल सोर्स है तो इतना हमें कॉमन सेंस होना चाहिए कि वो सोर्स होगा इसका मतलब ये सोर्स है तो करेंट डिलीवर्ड करेगा सो तो यहां करेंट का डायरेक्शन आपने लिख लिया क्यों लिखा क्लियर Now, अब ये पैसिव एलिमेंट है पैसिव पैसिव तो आपको पता है यहाँ प्लस माइनस होगा यहाँ प्लस माइनस होगा और यहाँ प्लस माइनस होगा इस वोल्टेज को मैं लिखता हूं वीआर ड्रॉप होगा इसे हम वीएल और यहाँ हम वी सी क्लियर है चलिए अब हम यहाँ पे एनी क्लोज लूप एल्जेब्रिक ऑल द ब्रांच वोल्टेज जीरो एक हम यहाँ पे क्लॉक लगाइए या एंटी क्लॉक लगाइए आपकी चॉइस है ऐसा नहीं कि क्लॉक ही लगाना है आपकी चॉइस है क्लॉक वाइस लगाइए या एंटी क्लॉक वाइस लगाइए बट आपको एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है मैं क्या प्रोटोकॉल फॉलो करता हूं मैं देखिए यहां से स्टार्ट करता हूं ठीक है अपनी गाड़ी हम यहां से ऐसे चलते हैं यहां जाएंगे, यहां जाएंगे फिर वापस आएंगे तो रास्ते में जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे सभी के वोल्टेज को लिखेंगे और सबका सम जीरो होगा ठीक है अब किसको पॉजिटिव लिखना है और किसको निगेटिव लिखना है ये कैसे डिसाइड होगा तो so, जो पहले मिलेगा किसी एलिमेंट में पहले निगेटिव मिला तो मैं निगेटिव लूंगा पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव लूंगा आप अपोजिट भी ले सकते थे आप इसको भी ले सकते थे बाहर वाले को बाद में पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव यहां बाद में नेगेटिव मिला तो नेगेटिव बट एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है ठीक है so, तो हम क्या प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे जो पहले मिलता है तो so, यहां से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं देखेंगे पहले माइनस मिला तो दिस इज नेगेटिव और इसका वोल्टेज कितना इस एलिमेंट का माइनस वी क्लियर है इतना नाउ अब हम यहां आ गए इस दूसरे एलिमेंट पे पहले हमें प्लस मिला और यहां का जो वोल्टेज है वो क्या है आपके पास वी आर इतना क्लियर है सो so, इसको सॉल्व करने से पहले आपको पैसिव एलिमेंट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था कि हमें करेंट का डायरेक्शन पता है तो यहां जो वोल्टेज मिलेगा वो पॉजिटिव से ही एंटर करेगा तो आप इसे प्लस माइनस लिखेंगे इंडक्टर में भी हमेशा प्लस माइनस और कैपेसिटर में भी हमेशा प्लस माइनस सो माइनस वी यहां मिलेगा यहां प्लस वी आर यहाँ प्लस वी एल और यहां प्लस वी सी इज इक्वल टू जीरो क्लियर है so, यहाँ से आप वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वी आर प्लस वी एल प्लस क्लियर तो हमें एक इक्वेशन मिल गया इस फॉर्म पे वोल्टेज के फॉर्म पे क्लियर कोई बच्चा इसे ऐसे भी लिख सकता है यहां से गाड़ी स्टार्ट कर रहा है जो बाद में मिलता है तो बाद में अगर प्लस मिलता है तो वो इसे प्लस भी लिखता है यहां बाद में माइनस है तो माइनस वी आर यहां बाद में माइनस है तो माइनस वी एल और यहां बाद में माइनस है तो माइनस वी सी इक्वल टू जीरो फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी क्लियर इतना तो मीनिंग दोनों की सेम है बट एक प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है अगर कोई बच्चा इसे एंटी क्लॉकवाइज लिखना चाहे और इन दोनों में कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो करे फिर से सेम आंसर मिलेगा तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस हैं बट मैं जो फॉलो करूंगा मैं हमेशा क्लॉक वाइज को प्रीफर करूंगा अगर डायरेक्शन नहीं दिया गया है और मैं हमेशा पहले जो मिलेगा निगेटिव है तो निगेटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हम इसको प्रीफर करेंगे क्लियर दिंग क्लियर है इतना ओके okay. नाउ इस चीज को और कैसे समझ सकते हैं v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी तो मैं फिर से लिखता हूं v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी इसका मतलब ये जो वी है दिस इज सप्लाई वोल्टेज सो सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू यहां मैं लिख सकता हूं सम ऑफ सप्लाई वोल्टेज या एक है एक से ज्यादा भी हो सकता था सम ऑफ सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू इन तीनों को मैं क्या लिख सकता हूं सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज सम ऑफ ड्रॉप वोल्टेज क्लियर है जैसे कि इससे पहले केसियल पे हमने देखा था सम ऑफ समीविंग करेंट यहां हम देख सकते हैं सम सम ऑफ ऑफ सप्लाई वोल्टेज वोल्टेज इक्वल टू ड्रॉप क्लियर है सो so, आपने वी वोल्टेज दिया वी वोल्टेज को इसने कंज्यूम किया इसने कंज्यूम किया और इसने कंज्यूम किया, किया ठीक है तो एक आपके पास सप्लाई है और बाकी सभी ड्रॉप है क्लियर दिस इज वेरी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट ठीक है अब केवीएल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनी क्लोज लुक एनी क्लोज लुक इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं ठीक है देखेंगे मैंने यहां एक सप्लाई वोल्टेज लिया सपोज वी लाइक दिस क्लियर यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है नाउ यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है क्लियर है नाउ इस रेजिस्टेंस को अगर मैं बोलता हूँ आर वन दिस रजिस्टेंस इज आर टू दिस रजिस्टेंस इज आर थ्री एंड दिस रजिस्टेंस इज आर फोर क्लियर अब अगर आप यहां मुझसे पूछते हैं कि सर कितने केबल इक्वेशन लिखे जा सकते हैं सो so, एक आप यहाँ लिख सकते हैं क्लियर है एक आप यहाँ लिख सकते हैं दो बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप एक इक्वेशन यहां भी लिख सकते हैं ऐसा क्लियर किसी भी क्लोज लूप में किसी भी क्लोज लूप में क्लियर तो यहाँ कितने इक्वेशन बन सकते थे थ्री इक्वेशन जनरली बच्चों के दिमाग में यहां और यहां आता है नहीं कभी कभी अगर हम बड़े लूप में इक्वेशन लगाते हैं तो हमारा आंसर जल्दी निकल जाता है कभी कभी हम दो इक्वेशन को रिड्यूस करके एक इक्वेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं सो यहां नंबर ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबल के वी एल इक्वेशन कितने is equal to three. <coughs> अब इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए दो ही इक्वेशन चाहिए हो सकता है एक में ही आंसर आ जाए डिपेंड करता है क्लियर सो so, आपको कौन से दो इक्वेशन लेना है या एक में आंसर आता है तो कौन सा लेना है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्लियर सो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एनी का मतलब ये जरूरी नहीं कि ये लूप हो और ये लूप हो आप इस लूप को भी ले सकते हैं एनी क्लोज लूप एनी क्लोज लूप किसी भी क्लोज लूप में आप जा सकते हैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं ठीक है जैसे कि हमने केसीएल में इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था एनी नोड ऐसे ही यहां एनी क्लोज लूप ठीक है जनली बच्चे इस चीज को मिस करते हैं और वहां पे टाइम टेकन होता है उनके लिए सोल्यूशन ठीक है नाउ एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ठीक है नाउ अगर हम एक वोल्टेज लेते हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ वी यहाँ एक रजिस्टेंस है यहां एक रजिस्टेंस है ओके यहाँ एक रजिस्टेंस है यहां एक रजिस्टेंस है यहाँ आपके पास एक रजिस्टेंस है यहां आपके पास एक रजिस्टेंस है, है यहां एक सप्लाई है लाइक like दिस यहां आपके पास एक रजिस्टेंस है यहां आपके पास एक सप्लाई है ऐसा कुछ आपको गिवन है अगर आप देखेंगे बहुत सारे लूप है वन टू थ्री फोर आप इससे कंबाइन कर सकते हैं इसे किस यहां किसी भी लूप में आप जा सकते हैं एनी क्लोज तो एक छोटा सा एग्जांपल लो अगर आप अपनी गाड़ी यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसा आप यहां आ सकते हैं यहां आ सकते हैं इसके अलावा आप इस लूप में ऐसे भी जा सकते हैं दिस। एनी क्लोज लूप सो तो यहां नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन कितने होंगे नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन मेनी नंबर ये तो हम निकाल सकते हैं स्क्वायर जितने हैं आप एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं मैंने जस्ट लिख दिया मेन इक्वेशन आपको चूज करना है कौन से इक्वेशन से आंसर इजिली आ सकता है क्लियर so ये जरूरी नहीं कि हम यहाँ लगाएं यहाँ लगाएं यहाँ लगाएं यहाँ लगाएं हम किसी भी पाथ में घूम सकते हैं बट किसी भी एक पाथ में दोबारा नहीं आ जाना ऐसा नहीं कि हम यहां से ऐसे गए यहां से वापस ऐसे आ गए किसी भी एक एलिमेंट को आप एक बार फॉरवर्ड और एक बार रिवर्स ऐसा नहीं लिख देना हो तो गलत हो जाएगा मतलब अगर आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप घूम के किसी पाथ से वापस अपनी जगह पे रिटर्न आना है किसी एक एलिमेंट को दो बार क्रॉस नहीं करना है तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर दिस थिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके ओके आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा सर वाई नॉट वोल्टेज V इज इक्वल टू इससे पहले क्वेश्चन में एक बच्चे का डाउट है कि सर यहाँ पे V है और यहाँ पे आर है यहाँ पे एल है और यहाँ पे सी है ठीक है ना हो यहां का जो वोल्टेज ड्रॉप आ आर है ये आर है ये एल है यहां का वोल्टेज ड्रॉप वी एल है और ये आपका सी है यहां का वोल्टेज ड्रॉप भी सी है ठीक है तो आपने मुझसे पूछा मैंने आंसर बोला वी इजल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी ठीक है आपने बोला कि सर V इज उगल टू वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी क्यों नहीं है ये आपके दिमाग में अभी इंपीडेंस और करेंट का फॉर्म चल रहा है अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे वी एल को तो ये वी, ये गलत है ये इक्वेशन आपका गलत है ठीक है तो अगर हम यहां करेंट आए एज्यूम करते हैं और इसे इंपीडेंस के फॉर्म पे लिखेंगे तो ये एल आपका होगा जे एक्स एल और इस सी को आप लिखेंगे माइनस जे एक्स सी क्लियर है सो so, आप करेंट के फॉर्म पे अगर इक्वेशन लिखेंगे वेट आगे मैं आपको थोड़ी देर के बाद नोडल और मेस एनालिसिस पढ़ाऊंगा तो हम इसे लिखेंगे उस केस में आप इसे लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर प्लस फिर ये हो जाएगा J इंटू आई एक्सएल माइनस एक्ससी ऐसा होगा V पे J नहीं लगा देंगे गलत हो गया वो तो ठीक है केवीएल पे मैंने ऐसा कहीं लिखवाया केवीएल का मतलब समझिए किसी भी क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेज ड्रॉप हैं सबका सम जीरो होगा अभी मुझे एलिमेंट से तो मतलब ही नहीं है ठीक है जब आप V को रिप्लेस करेंगे I इन टू इंपिडेंस मीन ओम्स लॉ उसके बाद आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा और J का टर्म आएगा यहां से आप i को बाहर ले सकते हैं तो यू विल गेट R प्लस जे एक्स एल माइनस एक्स सी क्लियर है तो आपका डाउट क्लियर थिंग क्लियर ना ऐसा हमने वहां पे क्यों नहीं लिखा अभी फंडामेंटल सीखिए का मतलब एनी क्लोज लूप मुझे एलिमेंट से मतलब नहीं है अभी कि कौन सा एलिमेंट है ये R है कि L है कि C है मुझे मतलब नहीं है इसे आप बॉक्स बना दीजिए अगर ये एक वोल्टेज है यहाँ एक एलिमेंट है मुझे नहीं पता क्या है यहाँ एक है और यहाँ एक एलिमेंट है मुझे सबका वोल्टेज पता है ये वी वन है यहां अगर वोल्टेज वी टू है और यहाँ अगर वोल्टेज भी थ्री है और अगर ये वी है एलिमेंट कुछ भी हो सकता है एनी थिंग डायोड ट्रांजिस्टर भी हो सकता है मैंने लिमिटेशन पढ़ाई कोई लिमिटेशन नहीं पढ़ाई इट कैन भी डायोडर ट्रांजिस्टर कुछ भी हो सकता है एनी थिंग इसीलिए आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डायोड सभी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केसीएल और केवीएल लगाते हैं अभी हम लिमिटेशन पे बात करेंगे क्लियर तो मैंने कहीं अभी तक लिमिटेशन नहीं बोली कि ये एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कुछ भी हो सकता है एनीथिंग बस मुझे उसका वोल्टेज पता हो मुझे इसका वोल्टेज पता हो तो किसी भी लूप में सभी वोल्टेज का सम क्या होता है जीरो होता है इतना आपको केसीएल केवेल आना चाहिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका डाउट क्लियर ना तो देखिए बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं एक्चुअल पे ठीक है और वो हमारे फ्यूचर में चलते ही रहते हैं तो जब हम पहली बार स्टडी करते हैं तो उस समय हमारा ना जो फंडामेंटल पार्ट है वो एटलीस्ट अच्छा हो बाकी पार्ट हम बाद में अच्छे से कर सकते हैं ठीक है ना तो चलिए इसीलिए मैंने बोला हमारे जो प्रीवियस दो तीन लेक्चर है मैंने देखा उसमें कुछ बच्चों के उसमें एक दो डिसलाइक भी हैं सो so, मुझे इतना एक्सपीरियंस है और समझ में आता है ठीक है कि बहुत सारे बच्चों को वही चीज पढ़ना होता है जो अच्छा लगे या थोड़ा पेशेंस रखिए मैंने बोला है मेरी क्लास के बाद आप पूरी दुनिया के कोई भी नेटवर्क के क्वेश्चन बना लेंगे ठीक है बट ऐसा कोई पॉइंट ना हो जहां फंस जाएंगे ठीक है तो बेसिक शुड बी वेरी क्लियर तो शुरू की दो तीन क्लासेस थोड़ी सी फंडामेंटल बेस्ड थी आज की क्लास भी थोड़ी सी फंडामेंटल बेस्ड है बट मैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है ना एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल अब आप देखेंगे हमारे पास एक वोल्टेज है सपोज दिस इज टेन वोल्ट क्लियर एक और एक और वोल्टेज है मेरे पास सपोज दिस इज फाइव वोल्ट क्लियर और हमारे पास एक रेजिस्टेंस है दिस इज वन ओम क्लियर है मैं पूछता हूं यहाँ पे जो करेंट फ्लो होगा आय वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ आय इज टू क्वेश्चन मार्क आय कितना होगा ये आय कितना होगा ये मेरा क्वेश्चन है आय कितना होगा बताएंगे आय कितना होगा बताइए बहुत सिंपल बेसिक प्रॉब्लम है और मैं आपके दिमाग में इस चीज को फिट करने की कोशिश कर रहा हूं कि केसीएल केवियल है क्या एक्चुअल पे ये क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी भी लूप में किसी भी लूप में ठीक है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो बात कोई भी हो केवीएल अप्लाई कर सकते हैं केसीएल मैंने बताया था किसी भी नोट पे किसी भी नोट पे तो केसीएल में आपको करंट चाहिए और केवीएल में आपको वोल्टेज चाहिए बोलिए व्हाट विल बी आई हियर फिर हम आगे डिस्कस करेंगे एक आंसर मुझे मिला थ्री एम्पियर एक आंसर मुझे मिला फिफ्टीन एम्पियर एक आंसर एक आंसर मुझे मिला इट इज नॉट डिटरमाइंड टेन वोल्ट और फाइव वोल्ट है वायोलेशन ऑफ के वी एल फिफ्टीन एम्पियर कांट बी कैलकुलेटेड देखो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड का मतलब इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो हमें अब अगर हम नहीं निकाल सकते आंसर तो हमें ये समझना पड़ेगा क्यों नहीं निकाल सकते सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगी या मिसिंग है कोई पार्ट जिसके कारण हम कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं ठीक है सो फिर से सेम थिंग ये लूप में अगर आप केवीएल लगाते हैं तो चलिए लगा देते हैं माइनस टेन यहां से स्टार्ट करते हैं पहले माइनस है तो माइनस टेन और यहां आते हैं फिर प्लस है प्लस फाइव टू जीरो इसका मतलब टेन इजल टू फाइव टेन टू फाइव तो ये तो गलत हो गया तो मैथमेटिकली गलत हो गया और मैथमेटिक्स तो सही है ये हमें पता है। इसका मतलब ये नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है वायोलेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ के वे वेरी बेसिक थिंग वेरी बेसिक थिंग तो दो डिफरेंट बैटरी को आप पैनल पे नहीं लगा सकते दो डिफरेंट बैटरी को आप पैनल पे नहीं लगा सकते और अगर हम करेंट सोर्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करें तो दो डिफरेंट करेंट सोर्स को सीरीज पे नहीं लगा सकते दो डिफरेंट बैटरी और वोल्टेज सोर्स को पैरेलल पे नहीं लगा सकते दो डिफरेंट करेंट सोर्स को सीरीज पे नहीं लगा सकते क्या होगा वायोलेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ असीएल पहले वाले केस में और इस केस में वायोलेशन ऑफ के इसका मतलब आंसर क्या होगा सर्किट एग्जिस्ट

और मैं यहां करेंट बोलता हूं आई टू क्लियर है सो आई वन और आई टू की वैल्यू क्या होगी ये मेरा क्वेश्चन है बताइए आई वन एंड आई टू क्या होगा विल बी आई वन एंड वट विल बी आई टू हियर बताएंगे ठीक है मैं आता हूं आपके क्वेश्चन में रेजिस्टेंस अगर बीच में पैरेलल पे हो ये मैंने ले लिया वैसा ही क्वेश्चन ले लिया देखिए है ना इस क्वेश्चन से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर ये रेजिस्टेंस बीच में होगा तो क्या होगा ठीक है मुझे इसका आंसर बताइए फिर मैं आपके डाउट को क्लियर करता हूं ठीक है बताएंगे सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को ठीक है बहुत कम लाइक हमारे वीडियोस पे मिल रहे हैं सभी लाइक कर दीजिए मैंने बोला है यूट्यूब में बहुत स्ट्रक्चर्ड वे पे और बहुत प्लांट वे पे और कंप्लीट कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जैसा यहां नेटवर्क का मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं ये मेरा प्रॉमिस है डिजिटल में रियल पे कंटेंट देखेंगे सो जब आप पूरे करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये तो मैजिक था क्लियर कि ऐसा कंटेंट एक स्ट्रक्चर वे पे और कंप्लीट एक ही जगह कोई प्रोवाइड नहीं करता ठीक है तो आप बस पेशेंटली देखते जाइए ठीक है रिजल्ट मुझे पता है कंप्लीट करने के बाद क्या होगा बट आपका काम है मजा मत देखिए आप कंटेंट को कंप्लीट कीजिए कंप्लीट करने के बाद मुझे मैसेज कीजिए कि सर मुझे मजा नहीं आया ठीक है बट कंप्लीट करने के बाद ठीक है सो ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि आपको मजा नहीं आए ठीक है बताएंगे आई वन आई टू क्या होगा सर एक इनफाइनाइट है एक जीरो है एक I1 और I2 इनफानाइट है ठीक है तो यहां सर करेंट सोर्स पेनल पे लगा सकते हैं हाँ मैं आऊंगा आपका ठीक है प्रांचल के सरवानी एक टॉपिक लूंगा अभी जस्ट इसके बाद आएगा ठीक है इक्वलेंट सर्किट के बाद इक्वलेंट सर्किट ऑफ द सोर्सेस उसमें मैं पढ़ाऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं चलिए इसके बाद स्टार्ट कर दूंगा ठीक है आपका डाउट पेनल पे लगा सकते हैं नहीं सीरीज पे लगा सकते हैं नहीं ठीक है लो यहां हमें डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिल रहा है

इसका मतलब ये सर्किट में क्या है वायोलेशन है दिस सर्किट नॉट एग्जिस्ट दिस इज ए वायोलेशन ऑफ दिस इज ए वायोलेशन ऑफ केवीएल सर्किट नॉट एग्जिस्ट क्लियर है इसका मतलब है आपने एक सप्लाई को यहां शॉर्ट है शॉर्ट कर दिया आप घर पे कभी सप्लाई को शॉर्ट करना क्या होता है स्पार्किंग चालू हो जाती है तो जहां जहां मैं लिख रहा हूं सर्किट नॉट एग्जिट इसका मतलब है अगर आपने वैसा कनेक्शन किया तो सर्किट में स्पार्किंग चालू होगी और सर्किट बर्न हो जाएगी तो इसका अगर फिजिकल मीनिंग आपको जानना है अगर आप ये सर्किट बना लेते हैं नहीं सर हम तो बनाएंगे बना लीजिए वो तुरंत स्पार्क होके बर्न हो जाएगी वो सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगी क्लियर माई पॉइंट नाउ अब आपका ये डाउट था कि सर यहां यहां पे अगर हम रेजिस्टेंस को बीच में ले लेते हैं तो क्या होगा अगर हम रेजिस्टेंस को बीच में लेते हैं दिस इज टेन वोल्ट एंड दिस इज फाइव वोल्ट दिस इज वन ओम। ये क्वेश्चन मैंने यही तो लिया है यहां आप इस चीज को ऐसा लिख सकते थे एक वोल्टेज सोर्स और इसकी वैल्यू जीरो वोल्ट जीरो वोल्ट का मतलब शॉर्ट सर्किट ऐसा लिख सकते थे यहां ये फाइव वोल्ट है सो so अगर ये टेन है और ये फाइव है तो अगर हम यहां एक लूप लगाएं वायोलेशन ऑफ केवीएल होगा तो तीनों ही सर्किट या तो ये हो या तो ये हो या तो ये हो नॉट एग्जिस्ट तीनों ही केस में वायोलेशन ऑफ केवीएल है clear है क्लियर वायोलेशन ऑफ केवीएल है क्लियर आई होप कितना क्लियर हो चुका होगा नाउ no. अब आपका डाउट था क्लियर है अब आपका डाउट था कि सर क्या हम सीरीज या पैरेलल पे लगा सकते या नहीं लगा सकते सोर्स को किसको सीरीज में लगाएंगे किसको पैरेलल पे लगाएंगे चलो आई विल टेल यू क्लियर है इतना नाउ सो सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे ठीक है तो आपने यहाँ पे देखा अब इसको थ्योरेटिकली समझते हैं ठीक है ना सो थ्योरेटिकली समझते हैं अगर हमारे पास एक करेंट सोर्स है जिसकी वैल्यू I1 है हमारे पास एक और करेंट सोर्स है जिसकी वैल्यू I2 है क्लियर है right? So, इसका इक्विवेलेंट क्या मिलेगा ये सर्किट जब ही एग्जिस्ट करेगी एग्जिस्ट करेगी दिस विल बी एग्जिस्ट ऑनली एग्जिस्ट ऑनली व्हेन आई वन इज इक्वल टू आई टू आई वन और आई टू सेम होगा जब एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब अगर सपोज मैं ऐसा लेता हूं यहां फाइव एम्पियर है और यहां फाइव एम्पियर है तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा यस yes. आप यहां पे देखेंगे वायोलेशन नहीं है यहां से 5 आया यहां 5 गया बट अगर दो डिफरेंट करेंट सोर्स तो इसे थ्योरेटिकली ऐसे समझ सकते हैं इसका अगर आप इक्विवेलेंट देखें तो आप इसे एक सिंपल 5 एंपियर से रिप्लेस कर सकते थे ऐसा नहीं कि 10 एंपियर कर दिया आपने सो so जब ये और ये सेम है तो एक एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत क्या है कोई नीड नहीं थी इसीलिए दो डिफरेंट करेंट सोर्स सीरीज पे नहीं लग सकते और सेम वैल्यू ऑफ टू करेंट सोर्स को हम सीरीज में नहीं लगाते हैं यू आर वेस्टिंग यू आर वेस्टिंग सो इसीलिए कभी भी दो डिफरेंट करेंट सोर्स को हम सीरीज पे नहीं लगाते हैं एंड टू डिफरेंट सोर्स इन सीरीज कैन नॉट बी एग्जिस्ट ये जब एग्जिस्ट करेगा एग्जिस्ट ओनली व्हेन आई वन इक्वल टू आई टू क्लियर है इतना सो दो करेंट सोर्स सीरीज क्लियर क्लियर है नाउ मैं चार कंडी चार केसेस लेता हूं दो करेंट सोर्स सीरीज दो करेंट सोर्स पैरेलल दो वोल्टेज सोर्स सीरीज एंड दो करेंट सोर्स सॉरी दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल ठीक है चारों केस लेते हैं क्लियर पहला केस नाउ सेकेंड केस सेकेंड केस ठीक है अगर यहां आई वन और आई टू डिफरेंट हैं तो क्या होगा इफ यहां अगर इफ I1 एंड I2 डिफरेंट है तो क्या होगा वायोलेशन ऑफ वायोलेशन ऑफ केसीएलेशन ऑफ केसीए क्लियर पहला केस केस नंबर टू इसे आप नंबर वन डाल दीजिए no, हूं दो वोल्टेज सोर्स अगर पैल पे है दो वोल्टेज सोर्स अगर पेनल पे ऑलरेडी हमने पढ़ लिया यस yes. अगर हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स है सपोज दिस वेलू इज वी वन एंड दिस वैल्यू इज वी टू वी टू तो ये कब एग्जिस्ट करेगा जब दोनों वोल्टेज की वैल्यू सेम हो सो so, ये एक्सिस्ट करेगा एग्जिस्ट ऑनली वैन जब ये दोनों सेम हो तो वी वन इज इक्वल टू वी टू क्लियर है सो so, अगर हम इसे दोनों को सेम ले ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल दिस इज टेन वोल्ट एंड दिस इज टेन वोल्ट एंड दिस इज टेन वोल्ट सो क्या यहाँ वायोलेशन होगा यहाँ लूप लगाएंगे लगाएंगे तो देखेंगे 10 equal to 10 मिलेगा मतलब यहां violation नहीं है इसका इक्वलेंट आपको क्या मिल जाएगा इसका इक्वलेंट हमें टेन वोल्ट मिल जाएगा कितना मिल जाएगा आपको टेन वोल्ट क्लियर है इतना क्लियर है सभी को इतना नाउ no. बट अगर यहां इफ वी वन इज नॉट इक्वल टू वी टू तो क्या होगा ये दोनों तो हमने भी कर लिया थर्ड केस और क्या हो सकता है अब अगर हम दो करेंट सोर्स को पैरेलल पे ले लें तो थर्ड नंबर अगर हमारे पास एक करेंट सोर्स यहां है और एक और करेंट सोर्स हम इसके पैनल पे ले लेते हैं अब यहाँ दो हो तीन हो चार हो कुछ भी हो सकता है इफ दिस वैल्यू आई वन एंड इफ दिस वैल्यूस आई टू तो क्या होगा सो so, क्या इन दोनों का आप एक साथ लिख सकते हैं इसका इक्विवेलेंट सिंगल करेंट सोर्स आप लिख सकते हैं ऐसा एंड दिस वैल्यू इज आई वन प्लस कैन राइट यस आपने नोडल लगा दिया केसीएल लगा दिया आपने यहां पे केसीएल लगा दिया तो यहां से आई वन आ रहा है यहां से आई टू आ रहा है तो यहां कौन सा करंट जाएगा आई वन प्लस आई टू तो आपने उन दोनों को एक साथ लिख लिया आई वन प्लस आई टू तो क्लियर सो अगर दो करेंट सोर्स पैरेलल पे है तो एड होता है दो करेंट सोर्स अगर सीरीज पे है सो तो वो जब ही एग्जिस्ट करेगा जब दोनों की वैल्यू सेम हो इसीलिए हम कभी भी दो करेंट सोर्स को सीरीज पे नहीं लगाते हैं दो करेंट सोर्स तीन करेंट सोर्स चार करेंट सोर्स को आप पैरेलल पे लगा सकते हैं और यहां आप नोडल इजिली लगा सकते हैं क्लियर दिस थिंग मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं यहां पे वन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ एक करेंट लेते हैं आई वन ऊपर जा रहा है यहां एक और करेंट लेते हैं जो आई टू नीचे जा रहा है एक और करेंट यहाँ ले लेते हैं आई थ्री जो ऊपर जा रहा है ऐसा तो so, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा तो so, यहाँ टोटल करेंट कितना होगा आप देखेंगे यहां नोडल लगाएंगे तो I1 अंदर आ रहा है I2 बाहर जा रहा है I3 अंदर आ रहा है तो यहां कितना करंट जाएगा I1 आई वन प्लस आई थ्री और आई टू मैंने नोडल लगा दिया लगा सकते हैं तो इसका क्या मिलेगा आपको एक करेंट सोर्स ऊपर मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी I1 वन प्लस आई थ्री माइनस आई टू क्लियर है तो इनके डायरेक्शन अगर चेंज होते हैं सो so, नीचे जो जा रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा क्लियर दिस थिंग या आप सीधा सीधा यहां नोडल लगा दीजिए इस करंट को आई मान लीजिए आई मान लीजिए सो दिस इनकमिंग करंट इनकमिंग करंट ये आउट गोइंग ये आउट गोइंग तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे सो so, आपको ये आंसर मिल जाएगा क्लियर है इतना तो so, आपको ये आंसर मिल जाएगा I1 I2 I3. So, clear, parallel पे होगा तो क्या होगा? Now, अब हम आते हैं अगर वोल्टेज सोर्स सीरीज पे है तो क्या होगा क्लियर थिंग नाउ केस नंबर फोर केस नंबर फोर अगर वोल्टेज सोर्स सीरीज में है तो क्या होगा केस नंबर फोर अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है फॉर एग्जाम्पल दिस इज V1 वन एक और वोल्टेज सोर्स है V2, टू so, क्या होगा तो आप देखेंगे ये तो एड हो जाएगा तो वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज पे है तो एड हो जाएगा करेंट सोर्स अगर पेनल पे है तो एड हो जाएगा क्यों एड हुआ क्योंकि आपने यहाँ नोडल लगा दिया ये दोनों क्यों एड हुआ अगर आपने इस वोल्टेज को वी मान लिया लाइक like दिस क्या मान लिया वी तो वी क्या होगा यहाँ एक लूप लगा देते हैं, ऐसा क्या होगा माइनस ऑफ वी टू पहले माइनस है देन माइनस ऑफ वी वन और ये प्लस वी है प्लस वी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ वी की वैल्यू क्या होगी वी वन प्लस वी टू तो आपको V मिल गया V1 वन प्लस वी तो इसका वोल्टेज यहां V एंड जिसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं V1 वन प्लस वी क्लियर है दो वोल्टेज सोर्स या मोर देन टू वोल्टेज सोर्स सीरीज पे ऐड होते हैं पेल पे नहीं लगाए जाते जब ही लगाए जा सकते हैं जब उनकी वैल्यू सेम हो दो करेंट सोर्स सीरीज पे नहीं लगाए जाते जब ही लगाए जा सकते हैं जब उनकी वैल्यू सेम हो और अगर करेंट सोर्स पैरलल पे है तो सभी इस करेंट सोर्स का एलजेब्रिक सम होगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन क्लियर यहाँ एक और एग्जाम्पल लेते हैं वन मोर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ थ्री वोल्टेज सोर्स लेते हैं वन और इसका डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया और इसका डायरेक्शन हमने ऐसा कर दिया लाइक like क्लियर है अगर ये वी वन है ये वी टू है ये वी थ्री है और ये वोल्टेज को आप एज्यूम कर लीजिए भी तो इसका इक्वलेंट क्या होगा इसके इक्वलेंट को आपने एक वोल्टेज इस डायरेक्शन पे लिया है भी क्लियर तो ये ये वी और ये वी तो सेम ही है ना ये वी की वैल्यू क्या होगी आपको डायरेक्टली नहीं लिखना आ रहा है तो केवीएल लगा दीजिए धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे यहां ऐसे केवीएल लगा दीजिए और इसे सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू मिल जाएगी तो चलिए लगा देते हैं पहले माइनस है तो माइनस वी थ्री देन प्लस है तो प्लस वी टू देन माइनस है तो माइनस वी वन एंड यहाँ प्लस है तो प्लस वी इज इक्वल टू जीरो से वी क्या हो जाएगा v वन प्लस वी थ्री माइनस वी टू तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी v1 वन प्लस वी थ्री माइनस वी टू दो से दो, दो से ज्यादा जितने भी वोल्टेज सोर्स सीरीज पे है तो सब क्या हो जाएंगे एड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन क्लियर है इतना अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन क्लियर है गुड है ना नू वसू ओके आपका आंसर करेक्ट है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन नाउ नाउ इतना केस क्लियर अब आपको लग रहा होगा सर चारों केस तो पढ़ लिया हमने वोल्टेज सोर्स सीरीज में वोल्टेज सोर्स पैरेलल पे करंट सोर्स सीरीज में करंट सोर्स पैरेलल में अब देखिए नया मेथड यहां हम लेते हैं नंबर फाइव करेंट और वोल्टेज सोर्स को मिक्स कर देते हैं ठीक है करेंट और वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज पे है तो क्या होगा करेंट और वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज पे है तो क्या होगा और करेंट और वोल्टेज सोर्स पैरेलल पे है तो क्या होगा मैंने करेंट और वोल्टेज सोर्स को मिक्स कर दिया नंबर फाइव नंबर फाइव देखिए ऐसा हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हमने सीरीज और पैरेलल पढ़ा तो क्या मिक्स करके देख सकते हैं यस yes, देख सकते हैं कैसे तो नंबर फाइव अगर मैं लेता हूं अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है सपोज भी और अगर हमारे पास एक करेंट सोर्स है हाँ। एक आंट और एक वोल्टेज सोर्स को मैंने पेनल पे लिया अब आप बोलेंगे सर बहुत सारे वोल्टेज है बहुत सारे करेंट है तो पहले सभी वोल्टेज को एक साथ रख के एक बना लीजिए और सभी करेंट को एक साथ रख के एक बना लीजिए क्योंकि तो तो बहुत सारे वोल्टेज और बहुत सारे करेंट है तो उनको आप सभी वोल्टेज को एक बना सकते थे करेंट को एक ऐसा बन सकता है ठीक है तो यहां मैं बोलता हूं इस थ्योरी को अगर वोल्टेज और करेंट सोर्स पैरेलल पे है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा अब अगर आप यहां देखते हैं यहां अगर वोल्टेज मैं इसे ए बोलता हूं इसे बी बोलता हूं इसका इक्विवेलेंट अगर मैं चाहता हूं कोई एक एलिमेंट हो तो ये क्या होगा ए है ये बी है यहां का वोल्टेज और ये वोल्टेज देखेंगे सेम होगा सेम होगा सो so, इसका इक्वलेंट सीधा सीधा एक वोल्टेज सोर्स होगा क्या होगा वोल्टेज सोर्स तो अगर एक वोल्टेज सोर्स और एक करेंट सोर्स को पैरेलल पे लगाते हैं तो उसका इक्वलेंट क्या होता है वोल्टेज सोर्स होता है क्लियर अगर इस चीज को बहुत सिंपल है यहां का वोल्टेज क्या होगा अगर यहां एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसका वोल्टेज क्या होगा वी होगा इस करेंट का काम क्या है कोई काम नहीं है इस करेंट का कोई काम नहीं है इसलिए कभी भी करेंट और वोल्टेज सोर्स को पे नहीं लगाया जाता आपने लगाया तो यू आर वेस्टिंग यू आर वेस्टिंग दिसंटर यू आर वेस्टिंग नहीं लगाया जाता लगा देंगे तो क्या होगा वेट कीजिए मैं कुछ प्रॉब्लम से आपको समझाऊंगा ठीक है बट अगर करेंट और वोल्टेज पेनल पे है तो इसका इक्वल क्या मिलेगा वोल्टेज सोर्स ये आपको दिख रहा है नाउ सिमिलरली नंबर सिक्स नंबर सिक्स अगर करेंट और वोल्टेज सीरीज पे है So, अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स भी है और अगर हमारे पास एक करेंट सोर्स आए है और ये दोनों अगर सीरीज पे है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा अब आप देखेंगे कि यहां कितना करेंट आएगा आई ही करेंट आएगा इस वोल्टेज का काम क्या है कोई काम नहीं है तो so, अगर यहाँ आप कोई एलिमेंट लगाते हैं उसको कितना करंट मिलेगा आई एम मिलेगा सो so, करंट और वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट सिर्फ क्या होता है करेंट सोर्स होता है क्या होता है करेंट सोर्स होता है क्लियर सो हमने सिक्स यहां पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखे वोल्टेज सोर्स सीरीज वोल्टेज सोर्स पैरेलल करेंट सोर्स सीरीज करेंट सोर्स पैरेलल वोल्टेज सीरीज सीरीज एंड वोल्टेज सॉरी वोल्टेज करेंट सोर्स सीरीज एंड वोल्टेज करेंट सोर्स पैरेलल तो वोल्टेज करेंट सोर्स सीरीज एंड वोल्टेज करेंट पैरेलल क्लियर है तो so, आपको ये ऑल सिक्स फॉर्म क्लियर होना चाहिए डाउट आता है तो केवेल के लगा दीजिए केवेल के लगा दीजिए अगर मैं इस लूप में यहां से यहां तक केवेल लगाऊ सो so, वी इज इक्वल टू यहां का वोल्टेज तो यहां का वोल्टेज क्या मिल गया दिस वोल्टेज क्लियर है यहां तक क्लियर नाउ no. अब मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूं यहां ठीक है ओके नाउ इन फिफ्थ देअर विल बी शॉर्ट सर्किट ठीक है विश्वजीत पाटिल इन फिफ्थ विल बी शॉर्ट सर्किट नो no. आपको एक वोल्टेज सोर्स मिलेगा शॉर्ट सर्किट नहीं मिलेगा आप समझ लीजिए ना यहाँ पे हम एक चलो लगा देते हैं यहां अगर आप एक वन ओम का रेजिस्टेंस लगा दे, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा जो ये वोल्टेज है एज इट इज सेम इस को कम ज्यादा करने से क्या इसका वोल्टेज चेंज होगा नहीं होगा इसका वोल्टेज भी होगा और इसका वोल्टेज भी है तो इसका करेंट क्या होगा सेम ही होगा बट ऐसा करने से एक्चुअल सर्किट के परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस होगा इसकी मैं बात करता हूं अभी ठीक है तो जस्ट वेट ठीक है अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं इन दिस टॉपिक क्लियर है आपको कहीं भी डाउट आता है किसी भी सब्जेक्ट में सॉरी uh, किसी भी पॉइंट पे केसीएल केवेल लगा दो तो आपके मोस्ट ऑफ द डाउट क्लियर होते जाएंगे ठीक है आपको कहीं भी डाउट है वहां लगा दीजिए यहां केवीएल लगा सकते थे यहां केवीएल लगा सकते हैं यहां नोडल लगा सकते हैं आप कुछ भी लगा सकते हैं तो कहीं भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ है तुरंत लगा दीजिए आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा ठीक है तो केवीएल केसीएल के साथ खेलना सीखिए ठीक है ठीके? अभी मैं प्रॉब्लम कराऊंगा केवीएल से डोंट वरी क्योंकि अभी हमने नोडल और मेस नहीं पढ़ा है अभी सिर्फ हमने केसीएल और केवीएल पढ़ा है ठीक है अब देखिए इन टॉपिक से मैं क्वेश्चन लेता हूं चलिए इससे ही क्वेश्चन लेता हूं पहले सिक्स से क्वेश्चन लेता हूं ठीक है ना तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं सिक्स से वन एग्जाम्पल ओके okay, नाउ अगर हमारे पास यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है सपोज दिस इज फाइव वोल्ट और अगर हमारे पास यहां एक करेंट है सपोज दिस इज थ्री एम्पियर क्लियर और यहां एक रजिस्टेंस है दिस रजिस्टेंस इज वन क्लियर नाउ अब अगर मैं आपसे पूछता हूं ये वोल्टेज नहीं होगा या होगा तो इस रजिस्टेंस के क्रॉस करेंट कितना होगा दोनों ही केस में सेम होगा तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करेंट ये थ्री एम्पियर है तो थ्री एम्पियर ही मिलेगा दिस इज थ्री एम्पियर तो ये थ्री और वन तो यहां ड्रॉप क्या मिलेगा प्लस माइनस थ्री वोल्ट मिलेगा मिलेगा यस तो ये फाइव पोल्ट हो या न हो दोनों ही केस में इस रजिस्टर के क्रॉस करंट और वोल्टेज सेम मिलेगा इसीलिए हम बोलते हैं इसका इक्वलेंट करंट है बट अगर आपने ये लगाया उससे क्या फर्क पड़ेगा पड़ेगा फर्क उससे उससे फर्क यह पड़ेगा कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज अब डिफरेंट डिफरेंट होगा तो जो सोर्स है हो सकता है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो अगर ये नहीं लगाते तो हो सकता है ये ज्यादा ड्रॉप जल्दी जल्दी एनर्जी डिलीवर करता अब ये धीरे धीरे एनर्जी डिलीवर करेगा बट इस रेजिस्टेंस के ए क्रॉस फॉर से फर्क नहीं पड़ेगा आर यू पॉइंट समझते है इसे अब अगर मैं पूछता हूं यहां वोल्टेज कितना होगा और यहां करंट कितना होगा यहां का करंट तो आपको पता है दैट इज यहां का वोल्टेज कितना होगा इसको मैं नाम देता हूं प्लस माइनस सो मीन यहां का वोल्टेज कितना होगा एक लूप लगाते हैं चलिए सो माइनस ऑफ वी थ्री एम्पियर प्लस सॉरी ये माइनस है पहले तो माइनस फाइव और यहां प्लस है प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो सो यहां से कितना मिलेगा

तो उस करेंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज कितना मिलता है ये चेक करते हैं ठीक है थेके? तो उसका ऐसा नहीं फर्क नहीं पड़ेगा लोड पे फर्क नहीं पड़ेगा बट सर्किट सर्किट में चीजें चेंज होंगी हंड्रेड yes, परसेंट होंगी बट यहां जो एलिमेंट लगेगा उसको करेंट और वोल्टेज उतना ही मिलेगा इसके कारण इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट इसके कारण इसका वोल्टेज चेंज होगा क्लियर थिंग सो चलिए अगर हम यहां लेते हैं इसे नहीं लगाते हैं ऑनली करेंट सोर्स है लाइक दिस दिस इज थ्री एम्पियर क्लियर और यहां हमारे पास एक रेजिस्टेंस है दिस इज वन तो यहां आपको ड्रॉप कितना मिलेगा थ्री वोल्ट हियर करेंट इज थ्री एम्पियर तो यहां जो वोल्टेज है प्लस माइनस भी थ्री एम्पियर कितना होगा एज इट इज थ्री वोल्ट तो यहां पे भी थ्री एम्पियर आपको कितना मिला थ्री वोल्ट और यहां पे भी पर कितना मिला माइनस टू वोल्ट तो दोनों ही केस में आपका वोल्टेज की वैल्यू करेंट डिफरेंट डिफरेंट है इससे क्या होगा उसके चार्जिंग सॉरी उसके डिस्चार्जिंग होने का जो टाइम होगा वो चेंजेस होने लग जाएगा क्लियर है गडिंग पावर पे ये चीज और हम डिस्कस करेंगे अभी हम पावर की बात नहीं कर रहे ठीक है ठीके? तो जस्ट आप देखेंगे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट वोल्टेज सेम है दोनों ही केस में बट इस करेंट सोर्स के एक क्रॉस करेंट सोर्स के एक क्रॉस दोनों ही केस में दोनों ही केस में वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट है क्लियर उसका क्या अफेक्ट होगा क्लियर नौ क्लियर अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक करेंट सोर्स है एक करेंट सोर्स है लाइक दिस क्लियर सपोज दिस इज फाइव पेम्पियर यहां हमारे पास वन ओम का रेजिस्टेंस है क्लियर एक और मैं लेता हूं यहाँ पे करेंट सोर्स दिस इज फाइव एम्पियर और अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा दे टू ओम क्लियर दोनों करेंट कितना होगा फाइव एम्पियर यहां आपको वोल्टेज कितना मिलेगा फाइव वोल्ट तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा फाइव वोल्ट क्लियर है no. यहां आपका करेंट कितना होगा फाइव एम्पियर यहां आपको ड्रॉप कितना मिलेगा टेन वोल्ट यहां आपको ड्रॉप कितना मिलेगा सॉरी यहां वोल्टेज कितना होगा टेन वोल्ट सो so, सोर्स आपका दोनों सेम है बट यहां आपका वी फाइव एम्पियर कितना है फाइव वोल्ट और यहां वी फाइव एम्पियर आपका कितना है टेन वोल्ट क्लियर सो so, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हमें लिखना है यू कैन नोट डाउन वन नोट वन नोट अगर हमारे पास एक करेंट सोर्स है आय एक आय ठीक है तो इस आई के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा अगर मैं यहां लिखता हूं वोल्टेज भी तो एक करेंट सोर्स के एक वोल्टेज कितना होता है इट कैन बी एनी वैल्यू तो एक नोट लिखेंगे वोल्टेज एक वोल्टेज ए क्रॉस ए करेंट सोर्स ए करेंट सोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर कहीं एक करेंट सोर्स दिया गया है और कोई पूछा जाए वोल्टेज कितना है तो बहुत सारे बच्चे उसे जीरो ले लेते हैं नो no! करेंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज होगा बट वो कितना होगा वो ये डिसाइड करेगा ये करेंट सोर्स डिसाइड नहीं कर सकता कि मेरे पास कितना वोल्टेज होगा करेंट सोर्स अपने पास करेंट बता सकता है करेंट सोर्स अपने पास वोल्टेज नहीं बता सकता कितना होगा वोल्टेज जो बाकी पैरामीटर सर्किट में है वो बताएंगे ऐसे ही वोल्टेज सोर्स के साथ अगर आप वोल्टेज सोर्स हैं और मैं आपसे पूछूं कि आप कितना करंट फ्लो करेंगे आप नहीं बता सकते जितना लोड लगेगा उस लोड के अकॉर्डिंग आप करेंट देंगे क्लियर माई पॉइंट सो यहां से दो चीज याद रखना है करेंट सोर्स का वोल्टेज वो खुद नहीं डिसाइड कर सकता वोल्टेज सोर्स का करंट वो खुद नहीं डिसाइड कर सकता तो अभी जस्ट हमने देखा एक करंट सोर्स तो एक नोट लिखते हैं वोल्टेज ए क्रॉस ए करंट सोर्स कैन बी एनी वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू इट लिखेंगे, वोल्टेज एक्रॉस ए एक करेंट सोर्स कैन बी एनी वैल्यू तो एक करेंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा कुछ भी हो सकता है वो कौन बताएगा कितना होगा यहां जब आप लोड लगाएंगे वो लोड डिसाइड करेगा कि उसका वोल्टेज कितना होगा क्लियर है सो वोल्टेज एक्रॉस ए करेंट सोर्स सॉरी वोल्टेज एक्रॉस ए करेंट सोर्स यहां लिखेंगे सोर्स वोल्टेज एक्रॉस ए करेंट सोर्स कैन बी एनी वैल्यू इट कैन बी डिसाइडेड बाय अदर एलिमेंट अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेटवर्क अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेटवर्क क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लियर है ना तो ये क्लियर है आपको इन दोनों सर्किट में क्या डिफरेंस है दोनों में जब आप लोड लगाएंगे उस लोड के क्रॉस करेंट और वोल्टेज सेम मिलेगा बट इस करेंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज और इस करेंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज चेंज हो जाएगा क्लियर सो तो अगर कोई पूछे करेंट सोर्स का वोल्टेज कितना है सो तो वो खुद नहीं बता सकता जितने एलिमेंट नेटवर्क में है वो बताएंगे ठीक है अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं क्लियर इतना यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक और एग्जाम्पल लेता हूं हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है सपोज दिस इज फाइव वोल्ट और यहां हमारे पास एक रजिस्टेंस है दिस इज ओम क्लियर क्लियर तो यहां कितना होगा? 5 ampere. तो तो कितना कितना होगा होगा तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ करेंट ए क्रॉस फाइव पोल्ट कितना है आपके पास फाइव पेम्पियर क्लियर तो मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया और एक वन ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया ठीक है सो उस वोल्टेज सोर्स के क्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है फाइव एम्पियर अब सेम वोल्टेज सोर्स लेते हैं फिर से सेम वोल्टेज सोर्स वोल्ट क्लियर और यहां हम फिर से एक रेजिस्टेंस लगाते हैं क्लियर अब ये रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूं टू ओम हम इसे ले, ले लेते हैं चलिए जीरो पॉइंट फाइव ओम क्लियर सो यहाँ करेंट कितना फ्लो होगा फाइव अपॉन पॉइंट फाइव पर सो so यहां करेंट फ्लो होगा टेन एम्पियर So, यहां करेंट कितना फ्लो होगा टेन एम्पियर क्लियर सो में करेंट एक वोल्टेज सोर्स है एक बैटरी है आपसे मैं पूछूं ये कितना करेंट डिलीवर्ड करेगा ये तो बैटरी को भी नहीं पता ये तो इसको भी नहीं पता सोर्स को सॉरी ये फाइव वोल्ट सॉरी ये वोल्टेज सोर्स है ना प्लस माइनस क्लियर सो अगर हमारे पास फाइव ओल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है और अगर हम उससे पूछते हैं कि आप कितना एम्पियर करेंट डिलीवर करेंगे वो नहीं बता सकता अगर लोड नहीं लगाया तो जीरो ओम लगाया तो टेन इसका मतलब फिर से हम सेम नोट यहां पे लिख सकते हैं सो so, अगर हम इसे ऐसा लिखते हैं हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और अगर मैं पूछूं यहां से कितना करंट फ्लो होगा तो ये नहीं बता सकता वोल्टेज सोर्स ये कौन बताएगा अदर एलिमेंट्स बताएंगे क्लियर तो यहां एक नोट लिख सकते हैं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट करंट ए क्रॉस करेंट ए क्रॉस ए वोल्टेज सोर्स ए वोल्टेज सोर्स क्लियर है और एक इंपॉर्टेंट चीज और लिख लीजिए यहां मैंने लिखा था वोल्टेज ए करेंट सोर्स आइडियल आइडियल ठीक है हम इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं यहां रेजिस्टेंस नहीं है ठीक है मतलब आइडियल सो so, यहां पर लिखेंगे करेंट ए आइडियल वोल्टेज सोर्स क्लियर है मतलब यह वोल्टेज का एक साइन वोल्टेज so, का साइन है उसके एक्रॉस करेंट कितना होगा ये कौन डिसाइड करेगा सो करेंट एक्रॉस एन आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन बी एनी वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू कैन बी एनी वैल्यू ठीक है सेम स्टेटमेंट यू कैन कंटिन्यू इट कैन बी डिसाइडेड बाय अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेटवर्क इट कैन बी डिसाइडेड बाय इट कैन बी डिसाइडेड बाय अदर एलिमेंट अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेटवर्क अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेटवर्क प्रेजेंट इन द नेटवर्क क्लियर इतना अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेटवर्क क्लियर इतना नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं ठीक है ना दो क्वेश्चन और लेते हैं फिर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा और फिर आप नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे नोडल एनालिसिस एंड मीस एनालिसिस ठीक है अभी तो हमने बेसिक फंडामेंटल पढ़ा ये क्लियर है दोनों नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल आपने अभी पढ़ा कि सर दो वोल्टेज सोर्स हम पैरेलल पे तभी लगा सकते हैं जब दोनों की वैल्यू सेम हो चलिए मैं लगा देता हूं अगर हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स है और मैंने पैरेलल पे अगर लगा दिया तो क्या होगा अगर ये टेन वोल्ट है और अगर ये 10 वोल्ट है और यहां एक रेजिस्टेंस है दिस इज 1k क्लियर है और एक और सर्किट लेते हैं आपको पता है ये दोनों अगर सेम है तो वायोलेसन नहीं होगा दोनों को आप एक से रिप्लेस कर दीजिए चलिए और दूसरा बच्चा एक वोल्टेज लगाता है तो दोनों की सर्किट वैलिड है दोनों की सर्किट वैलिड है दोनों के लोड को कितना वोल्टेज मिलेगा यहां आपको टेन वोल्ट मिलेगा और यहां भी टेन वोल्ट मिलेगा करेक्ट है दोनों में करेंट कितना फ्लो होगा ये दोनों तो टेन टेन है तो वैलिड है तो यहां टेन आएगा टेन बाय वन यहां आपका टेन एम्पियर मिलेगा यह भी वैलिड है यहां भी आपको टेन एम्पियर मिलेगा वैलिड है तो दोनों ही सर्किट में अगर हम लोड की बात करें लोड की बात करें तो लोड को सेम वोल्टेज और सेम करंट मिलेगा बट दोनों में डिफरेंस क्या है अगर यहां टेन एम्पियर है और देखेंगे ये दोनों सेम है दोनों सेम है तो क्या मैं एज्यूम कर सकता हूं दोनों के एक क्रॉस करंट कितना जाएगा यहां क्या मैं बोल सकता हूं फाइव एम्पियर जाएगा और यहां कितना जाएगा फाइव एम्पियर सो यहां कितना होगा टेन एम्पियर क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब एक वोल्टेज सोर्स के क्रॉस करेंट कितना फ्लो होगा फाइव एम्पियर ठीक है इस सर्किट में क्या होगा यहां आपका टेन एम्पियर है सो so, यहां से कितना करेंट फ्लो होगा टेन एम्पियर सो दोनों सर्किट में डिफरेंस क्या है ये वाली जो बैटरी है वोल्टेज अक्रॉस टेन एम्पियर और ये दोनों सेम है आपका कितना करंट फ्लो होगा फाइव एम्पियर और ये वाली सर्किट में वी दिस इज टेन वोल्ट वी 10 वोल्ट के एक करंट फ्लो होगा टेन एम्पियर दोनों सर्किट वैलिड है बट दोनों में डिफरेंस क्या है यहां वोल्टेज सोर्स के क्रॉस फाइव एम्पियर करंट फ्लो होगा और यहां टेन एम्पियर फ्लो होगा तो अगर आप इसे ऐसे समझें कि दो बैटरी आपने लगा दी पैरेलल पे और एक बैटरी लगाई है तो इससे क्या होगा ये वाली बैटरी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होगी क्योंकि पावर ज्यादा होगा टेन इंटू टेन हंड्रेड वाट और यहां एक के क्रॉस पावर वाट और इसके क्रॉस फिफ्टी वाट क्लियर थिंग सो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू लोड में करेंट वोल्टेज पावर सेम मिलेगा इसमें और इसमें बट यहां पे करंट कितना होगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो कभी कभी ये सिचुएशन आपको देखने मिल सकती है कि दो वोल्टेज सोर्स आपके पैनल पे हैं अब वहां पे ओम्स ला नहीं लगा सकते तो करंट कैसे निकालेंगे क्लियर दिस पॉइंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे बहुत सारे बच्चे आके फंस सकते हैं क्लियर है अगर अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये पूछता इस क्वेश्चन में वोल्टेज एक सॉरी करेंट वोल्ट कितना होगा ये अगर मैं पूछता और अगर कोई बच्चा इसको इक्वलेंट ये बना देता और सॉल्व करता तो यहां आंसर कितना मिलता 10 एम्पियर और वो आंसर गलत हो जाता वो गलत हो जाता वोल्टेज अक्रॉस सॉरी करेंट अक्रॉस टेन वोल्ट कितना है फाइव एम्पियर तो यहां से आप समझेंगे अगर कभी गलती से दो वोल्टेज सोर्स अगर हमें पैनल पे दे दिए गए जिनकी वैल्यू सेम है जिनकी वैल्यू सेम है क्लियर और अगर यहां करंट आए है तो यहां से कितना करंट देगा ये आई बाय टू और ये कितना करंट देगा आय बाय टू ये आप लिख लीजिए क्लियर है लिख लीजिए इसे एवरी बेसिक शुड बी वेरी क्लियर बहुत सिंपल सी चीज है सो so, दो वोल्टेज सो सेम वोल्टे पे लगाने का प्रैक्टिकली कोई बेनिफिट नहीं है बट ये आपको एक बेनिफिट दिख गया कि अब वो धीरे धीरे पावर डिलीवर करेगा एक सो so, एक वाट डिलीवर करेगा बट यहां एक अगर लगता तो हंड्रेड वाट डिलीवर करता तो ये, ये रियल लाइफ में कहीं कहीं यूज होता है अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि कोई यूज ही नहीं था ऐसा नहीं है रियल लाइफ में ये हम यूज कहीं करते हैं जहां हमें बैटरी को धीरे धीरे डिस्चार्ज करनी होती है कुछ रीजन्स है तो अभी जस्ट आपको करेंट निकालना आना चाहिए एक लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास में और लेते हैं क्लियर है क्लियर है कौन से ग्रुप का क्लास हो रहा है ये क्लासेस नेटवर्क एनालिसिस की हो रही हैं, ठीक है थीके? और नेटवर्क एनालिसिस आपके जनरली थर्ड सेमेस्टर इंजीनियरिंग पे होता है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे होता है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और इन तीनों की जितनी एलाइड ब्रांचेस ठीक है थीके? या तो नेटवर्क एनालिसिस होगा या नेटवर्क थ्योरी होगा या इलेक्ट्रिक सर्किट होगा या इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी होगा क्लियर एक क्वेश्चन आज के सेशन पे और लास्ट लेते हैं फिर हम एंड करेंगे ठीक है लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल अब अगर दो करेंट सोर्स सर सीरीज पे लगा दिए तो क्या होगा क्या होगा ये तो हमें पता है वैल्यू सेम होगी जब यह वायोलेशन नहीं होगा चलिए इसको मैं ले लेता हूं यहां सपोज फाइव एम्पियर एंड दिस इज़ फाइव एम्पियर यहां हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया वन ओम का और अगर दूसरा बच्चा यहां एक सिंगल करेंट लगाता है फाइव एम्पियर का दोनों की सर्किट सेम है सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है बट डिफरेंस पे होगा यहां होगा अगर आप इस वोल्टेज को V5 फाइव पेम्पियर लेते हैं इस वोल्टेज को V5 फाइव एम्पियर और इस वोल्टेज को वी फाइव एम्पियर तो कितना होगा यहां करंट आप देखेंगे 5 होगा सो यहां पे ड्रॉप कितना होगा 5 वोल्ट सो यहां V5 फाइव एम्पियर दोनों सेम ही होंगे तो V5 फाइव एम्पियर कितना मिल जाएगा आपको ये देखिए 5 वोल्ट है सो ये भी फाइव एम्पियर है और ये भी फाइव एम्पियर का सम आपको मिलेगा 5 volt. So, ampere क्या मिल मिल जाएगा? जाएगा? है. पे भी कितना कितना होगा? होगा, होगा, जो आपको इन दोनों में difference clear. अगर दो तो सेम वैल्यू करंट सोर्स को सीरीज में लगाते हैं सो so उसका जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा सिंगल वाले से हाफ हो जाएगा और हाफ होने से उसका पावर हाफ हो जाएगा क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा क्लियर तो ये चीजें याद रखिए ठीक है तो कभी भी एग्जाम पे जब आएंगे ऐसे तो आप इसको एक equivalent मान के नहीं करेंगे अगर आपको लोट के क्रॉस पूछा जाता है तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे बट अगर आपको ये दो सीरीज पे लगा दिए गए और इसी के क्रॉस पूछ लिया जाए तो अगर आप उसे एक बना देंगे तो गलत हो जाएगा आंसर ठीक है तो हम इसे एक थियो, थियोटिकल वे पे लिख सकते हैं So, इसको हम क्या लिख सकते थे अगर हमारे पास दो सेम वैल्यू का करंट है यहां आय है और यहां आय है क्लियर है लाइक दिस क्लियर और अगर यहां वोल्टेज हमारा V है तो यहां का वोल्टेज V बाय टू होगा और यहां का वोल्टेज V बाय टू होगा तो so, टोटल जितना वोल्टेज है वो ये दोनों करंट सोर्स में क्या हो जाएगा हाफ एंड हाफ जैसे कि यहां टोटल करेंट इन दोनों वोल्टेज सोर्स में क्या हो रहा था हाफ पैन हाफ पर डी वाइट क्लियर so, दो वोल्टेज सोर्स पैरेलल पे लगाने का बेनिफिट एंड दो सोर्स को सीरीज में लगाने का बेनिफिट ये है कि एक जल्दी डिस्चार्ज होगा अगर ये पान लेते हैं बैटरी है और ये दोनों धीरे धीरे डिस्चार्ज होंगी यहां पे ये दोनों धीरे धीरे डिस्चार्ज होंगे ठीक है तो उसका ऐसा नहीं कि कोई बेनिफिट नहीं है ठीक है पावर पॉइंट ऑफ व्यू बेनिफिट है बट हाँ लोड को करेंट वोल्टेज पावर सेम ही मिलने वाला है लोड के क्रॉस सेम होगा डिलीवर जो आपकी बैटरी या सोर्स है वो डिपेंड करता है एक में ज्यादा करेगा वैल्यू uh, उतनी होगी एक ज्यादा देर तक चलेगा एक कम देर तक चलेगा इतना क्लियर है आपको बस अभी नेटवर्क सॉल्व करना आना चाहिए तो आई होप कि सोर्सेस क्लियर हो चुके हैं आपको सीरीज पेनल कहा वायलेशन आप केसीएल आ सकता है कहा वायोलेशन आप केवीएल सकता है केसीएल क्या होता है केवीएल क्या होता है ठीक है कोई डाउट है तो पूछिए फिर हम कल के स्टार्ट करेंगे okay? नहीं हुआ दोनों, में. दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखेंगे इसके क्रॉस अगर आप देखते हैं तो करेंट और वोल्टेज सेम है यहां भी देखेंगे करेंट और वोल्टेज सेम है क्लियर इतना बटर ये वोल्ट है और यहां ये दोनों सेम सोर्सेस हैं तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो जाएगा फाइव बाय टू फाइव बाय टू क्लियर यहाँ का वोल्टेज कितना है फाइव तो so, इन दोनों में क्या डिफरेंस है अगर ये वाले में एक का कर जो करेंट सोर्स है उसका वोल्टेज कम है और ये वाले में जो वोल्टेज है वो ज्यादा है अगर आप पावर निकालेंगे इसके क्रॉस पावर कितना होगा वोल्टेज इज फाइव एंड करेंट इज फाइव ट्वेंटी फाइव होगा इसके क्रॉस पावर निकालेंगे अगर आप तो कितना होगा फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव कितना हो जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव वाट और इसके क्रॉस पावर कितना होगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव वॉट क्लियर है? तो अगर एक वाट कर रहा है और एक सोर्स ट्वेंटी फाइव वाट डिलीवर्ड कर रहा है इसको ऐसे समझ सकते हैं एक वर्क है वर्क सेम है या एक इंसान कर रहा है और यहां दो इंसान कर रहे हैं तो दो इंसान ज्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं एक इंसान जल्दी थक जाएगा इसलिए ये ट्वेंटी ज्यादा एनर्जी लग रही है और ये दो लोग काम कर रहे हैं और वहां पे वो धीरे धीरे एनर्जी उनकी कंज्यूम हो रही है इतना ही डिफरेंस है यहां जो वर्क की स्पीड है यू कैन से मतलब यहां पावर और करेंट है वो सेम होगा तो ये दोनों सर्किट में इतना ही डिफरेंस है कि ये जल्दी डिस्चार्ज हो सकता है और इसके रिस्पेक्ट में ये लेट में डिस्चार्ज होता है बट रियल लाइफ में ऐसी सर्किट हम दो करेंट सोर्स को सीरीज पे जल्दी लगाने की कोशिश नहीं करते हैं ठीक है थीके? ऐसे ही दो वोल्टेज सोर्स को पैनल पे लगाने की कोशिश नहीं करते हैं आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखते होंगे सभी में आप देख देंगे दो बैटरी होती होगी दो बैटरी हमेशा सीरीज पे होती है कभी भी दो बैटरी पैनल पे नहीं होती हमेशा सीरीज पे होती है ठीक है दो बैटरी कभी वो पेनल पे नहीं लगाते क्लियर <coughs> तो अभी जस्ट आपको सीरीज पेलल की मीनिंग क्लियर होनी जरूरी है ठीक है धीरे धीरे हम आगे चलेंगे अभी मुझे आ, मेस और नोडल एनालिसिस स्टार्ट करने दीजिए सीरीज पेलल रेजिस्टेंस के कैपेसिटेंस के इंडक्टेंस के स्टार्ट करने दीजिए करेंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर स्टार्ट करने दीजिए स्टार डेल्टा स्टार्ट करने दीजिए इतना बेसिक कंप्लीट होने के बाद फिर हमें थोड़ी सी और कमांड आने लगेगी ठीक है अभी तो जो सबने बहुत बेसिक पढ़ा है ओके तो चलिए आज के सेशन को एंड करते हैं एक और डाउट है सर अगर केवियल वायुलेसन है किसी सर्किट में तो वहां पर हम इंपल्सिव वोल्टेज का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं अगर किसी सर्किट में केवियल वायुलेसन है तो वहां कुछ इंथानाइट है एक उसका मतलब वहां कुछ इनफाइनाइट है प्रैक्टिकली so, नेटवर्क में वो सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगी बट अगर फिर भी मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करें तो उसे इम्पल्स के फॉर्म पे लिखा जा सकता है बट डोंट वरी सब्जेक्ट में ऐसा मिलेगा नहीं कहा इस पूरे सब्जेक्ट में अगर कहीं सर्किट में वायोलेशन है तो ऐसी सर्किट कभी हमें नहीं दी जाएगी कि हमें उसे मैथमेटिकली लिखना हो और रिप्रेजेंट करना हो ठीक है

कल मिलते हैं सिक्स पी पे और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं डिजिटल के वीडियो जरूर देखिए बोर लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए शुरू के कुछ लेक्चर्स ऐसे हो सकते हैं बट ये मेरा प्रॉमिस है कि जब आप मेरे लेक्चर कंप्लीट करेंगे जिस दिन एंड होगा उस दिन के बाद सेमेस्टर एस वेल एस कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके दोनों के सभी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे ये मेरा प्रॉमिस है ठीक है तो चलिए कल मिलते हैं फिर थैंक यू टेक केयर बाय बाय एंड जय हित